हाय, दिस इज वे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो मैं चालू करते हैं, वापस आते हैं अपने सीरीज पे। तो ये सीरीज बन रही थी कौन सी? बिजनेस स्टैटिक्स की, ठीक है। हाँ जी, तो बिजनेस स्टैटिक्स में चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो, वो मैटर नहीं करता। बस आपका जो सेमेस्टर है वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ होना चाहिए। इनमें से कोई सा भी अगर आपका सेमेस्टर है तो आप ये सीरीज आराम से देख सकते हो। सिंपल। आज इससे पहले पहला चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने दो वीडियो बनाई थी, और दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मतलब पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है भाई। हाँ जी, आज चालू करने वाले चैप्टर नंबर दूसरा। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि आज सीखेंगे हम सेंट्रल टेंडेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड हम निकालना सीखेंगे। बेसिकली बस इतना काम है हमारा, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इसके अंदर क्या सीखेंगे? मैथमेटिकल एंड पोजिशनल एवरेज। हम मैथमेटिकल और पोजिशनल एवरेज के बारे में आज पढ़ेंगे कि मैथमेटिकल एवरेज क्या होते हैं और पोजिशनल एवरेज क्या होते हैं, इनके बारे में आज सीखना है। सिंपल सर। चलिए, तो शुरू करने से पहले पूरी सीरीज को अगर आपसे पहले बता दूं, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करके आराम से नोट्स परचेज कर ले हुए। सिंपल सर। हाँ जी, बस कोशिश मत करना सर कॉल करने की। कभी आप बिजी मिलोगे वरना, कभी हम बिजी मिलेंगे तो अच्छी तरीके से कॉल हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो आप आराम से व्हाट्सएप करिए, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देंगे। 10 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है भाई। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर ना देखो भाई, पहली बात स्टैटिक्स है, और स्टैटिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सिलेबस आपका बड़ा है। तो इस वजह से हम जितना जल्दी छोटे तरीके से उसके उतना छोटे तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो बुकों के एग्जांपल बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं, इस वजह से हम बुकों के न्यूमेरिकल्स कम करके हम अपने तरीके से अच्छे तरीके से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, खाली बेसिक कंसेप्ट जो होता है, क्योंकि मीन, मीडियन, मोड आपको आता है, तो जो मेरे वाली जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं खाली वही करवाऊंगा। बाद में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बाद में जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तब उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल। चलिए, तो जो दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में आज हम करने के वाले हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। आज ही सीखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है भाई। उसके बाद टाइप्स ऑफ एवरेज पढ़ेंगे कि जो एवरेज होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे मीन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो चीज सीखना। उसके बाद अगर कोई गलती हो जाती है डाटा के अंदर, तो उसको डाटा को कैसे ठीक किया जाता है मीन निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे कंबाइंड मीन क्या होता है, ये सब चीजें। इसके बाद हम सीखेंगे ज्योमेट्री मीन और हार्मोनिक मीन क्या होता है। इसके बाद हम सीखेंगे मीडियन और अदर पोजिशनल एवरेज जो होते हैं, जैसे कि डेसाइल हो गया, परसेंटाइल हो गया, ये सब निकालना सीखेंगे। क्वार्टाइल हो गया, ये सब निकालना सीखेंगे। उसके बाद मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर कोई एक फ्रीक्वेंसी गायब होगी और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सिंपल सर। हाँ जी, उसके बाद हम मोड करेंगे अपना, कि मोड कैसे निकालते हैं, ग्राफिकल तरीके से या फिर न्यूमेरिकल तरीके से, सब तरीके से। और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कैसे, जो आपके पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन उठा के हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे हिसाब से भाई, इसके अंदर आपको लगभग 3 वीडियो बनानी पड़ेगी, इस चैप्टर के अंदर हमको बनानी पड़ेगी 3 वीडियो के आसपास। सिंपल सर। तो जो पहला चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो गया था 2 वीडियो के अंदर, इस बार ये वाला जो चैप्टर आपका 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट होगा। तो पहली वीडियो का जो बनेगी, ये जो बन रही है अभी फिलहाल, वो बनेगी सेंट्रल टेंडेंसी से लेके एरर एंड कंबाइंड मीन तक। मतलब जो भी एरर होंगी, जो भी कंबाइंड मीन होगी, मीन की, वो सब कैलकुलेट करना, ठीक है भाई। चलिए, और उसके बाद जो दूसरी वीडियो बनेगी वो ज्योमेट्रिक मीन से स्टार्ट होगी, मोड तक बनेगी। सिंपल सर। हाँ जी, और जो तीसरी वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जो भी पास्ट ईयर्स के न्यूमेरिकल्स होंगे उनकी प्रैक्टिस करी जाएंगी। सिंपल सर। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस खाली इसी चैप्टर की नहीं होगी, ये जो प्रैक्टिस होगी वो फर्स्ट चैप्टर की भी होगी। मतलब एक तरीके से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में जो कह रहा हूँ, इसके अंदर आपकी पूरी यूनिट, क्योंकि जो आपकी पहली यूनिट है स्टैटिक्स के अंदर, इसमें पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों कंबाइंड करके एक यूनिट बनती है। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर 2 चैप्टर बस खाली, पहला और जो दूसरा। पहला चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का, वो वाला पहला चैप्टर हो चुका है। दूसरा चैप्टर आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला है। तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, और पहली यूनिट के जितने भी पास्ट ईयर्स में न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे तीसरी वीडियो के अंदर। सिंपल सर। बहुत अच्छे, शुक्र। तो भाई, तो ध्यान से फटाफट तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है उसके बारे में चालू करते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? द स्टैटिकल मेजर्स दैट इंडिफाइज, मतलब आइडेंटिफाइज ए सिंगल वैल्यू एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक वैल्यू आइडेंटिफाई करती है, या फिर जो आइडेंटिफाइज करते हैं, यानी निकालते हैं, कैलकुलेट करती है, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक वैल्यू बताई जाती है, वही एक वैल्यू क्या कहलाती है? सेंट्रल टेंडेंसी। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे। एक बार समझते हैं क्या क्या चीज है। मान लो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि सर आपकी जेब में कितने पैसे हैं। तो जब मैंने बच्चों से पूछा सर आपकी जेब में कितने पैसे हैं, तो एक बच्चा कह रहा भैया मेरे जेब में तो 90 रुपए। मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, वो कह रहा भैया मेरे जेब में 100 रुपए है। तीसरे बच्चे से पूछा, वो कह रहा है 110 रुपए।
चौथे बच्चे से पूछा वो कह रहा है भैया मेरे पास भी 90 रुपए, पांचवे बच्चे से वो कह रहा है मेरे पास 105 रुपए, अगले बच्चे से पूछा वो कह रहा है मेरे पास 95 ही रुपए, अगले बच्चे से कह रहा है वो 110 रुपए है मेरे पास, सिंपल। एक बच्चा अगला बच्चा कह रहा है 100 रुपए है। तो एक तरीके से अब देखो इतने सारे बच्चों के पास रुपए हैं, अब मेरे से अगर कोई पूछता है कि जो आपके बच्चे हैं आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जेब में लगभग एवरेज कितने पैसे लेके घूमते हैं, तो मैं क्या बोलूं उनको कि एवरेज हमारे जो बच्चे हैं वो लगभग जेब में 5 रुपए लेके घूमते हैं, क्या ये 5 रुपए सेटिस्फाई रहेगा, ये ऐसी वैल्यू है क्या जो सबको रिप्रेजेंट कर पा रही है? नहीं जी, ये इतना मतलब कि अनबाइज्ड हो जाएगा कि भाई 5 रुपए तो मिनिमम अमाउंट होता है, वो तो सबसे हर किसी के पास इससे फालतू पैसा होगा। मतलब एक ऐसी अच्छी वैल्यू लेके चलनी है जो आपको रिप्रेजेंट, जो इन सभी वैल्यू के अलग से रिप्रेजेंट कर सके। तो इसमें देखो अच्छी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अलग अलग तरीके हैं उनको निकालने के लिए, जो भी हम टाइप्स ऑफ एवरेज में पढ़ेंगे, मीन मिड एंड मोड अलग तरीके से निकाली जाती है। तो मैं एवरेज बता देता हूँ कि एवरेज जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 100 आ गया, तो मैं कह सकता हूँ हाँ 100 अभी फिलहाल, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं 90 भी कह दूँ या फिर 95 भी कह दूँ, 105 भी कह दूँ, 110 भी कह दूँ, मैं कोई सी बोल सकता हूँ क्योंकि ये सारी वैल्यू इसके अंदर लाइज करती है। तो मैं बोल सकता हूँ 100 हो गया या फिर 90 हो गया, फिर 95 हो गया, 105 हो गया, ये जो है वो एवरेज वैल्यू है। एक ऐसी वैल्यू है जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 95, ये एक ऐसी वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करती है इन सारी वैल्यूज को कि हाँ भाई इनके पास भी लगभग इतने रुपए है। मैंने 95 बोला, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ जी इसके पास भी लगभग 95 रुपए, इसके पास भी लगभग 95 रुपए, इसके पास भी लगभग 95 है, इसके पास भी लगभग 95 है। कुछ थोड़े बहुत उससे कम होंगे, कुछ थोड़े बहुत उससे ज्यादा होंगे, इतना सिंपल। एक बार और समझते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मान लो एक बच्चा मतलब मेरे पास आया 6, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास 6 लड्डू है, कितने लड्डू है 6 लड्डू, तो मेरे पास 3 बच्चे आए 1 2 3, और वो कह रहे हैं कि इन बच्चों को लड्डू बांटो, तो मैंने पहले बच्चे को 1 लड्डू दिया, दूसरे बच्चे को 2 लड्डू दिए, तीसरे बच्चे को 3 लड्डू दिए, अब मैंने इस तरीके से बांट दिया, सिंपल। आज एक इसको मिला 1 लड्डू, इसको मिले 2 लड्डू, इसको मिले कितने लड्डू 3 लड्डू, मेरे 6 लड्डू बढ़ चुके हैं। क्या ये अच्छे तरीके से मैंने बांटा? नहीं, मैंने अच्छे तरीके से नहीं बांटा, क्योंकि किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गए। तो अगर कोई बोले कि मेरे को ना एक ऐसी वैल्यू बता दो जो मैं हर किसी को बांटूं और जो मेजरमेंट हो वो लगभग बराबर बराबर हो, और कोई भी बच्चा ज्यादा उदास ना हो कि भाई मेरे को कम मिल गया, ज्यादा मेरे को ज्यादा फालतू मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हम इनका एवरेज निकालेंगे। इन पूरे के पास देखो टोटल कितने लड्डू हमारे पास 6, और वो 6 लड्डू कितने बच्चों में बांटने, 3 बच्चों में बांटने, तो हमने डिवाइड कर दिया इसको, तो आपका आंसर आ गया 2। यानी कि 2 लड्डू अगर आप हर एक बच्चे को देते तो वो 6 के 6 लड्डू बट भी जाते और हर किसी को लगभग लगभग बराबर अमाउंट मिल भी जाता। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो पूरे डाटा को एक मतलब कि पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। बस खाली सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, एक स्टैटिकल मेजर है जो कि आइडेंटिफाइज करता है एक सिंगल वैल्यू जो कि रिप्रेजेंट करती है एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, जो पूरे डाटा को पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छे सर, आपको समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सर, हम क्या बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी निकालते ही क्यों है, मीन ईयर मोड कैलकुलेट करने का काम ही क्यों करते हैं? तो मैं ऐसे अच्छे गंदे गंदे काम नहीं करना चाहिए सर, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। तो हम क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है मीन मिरर मोड निकालने का हमारा? तो समझते हैं, हम मीन मिरर मोड क्यों निकालते हैं, टू कैलकुलेट द एवरेज, एक एवरेज वैल्यू फाउंड आउट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमने एवरेज वैल्यू फाउंड आउट करी कि भाई जो हमारे पास 6 लड्डू है वो एवरेज किस किस बच्चे को कितने कितने लड्डू मिलने चाहिए, तो यूनिट बता दो, एक सिंगल यूनिट बता दो जो एवरेज बता दो, ताकि हम हर बच्चे को उतने लड्डू दे पाए। सिंपल, तो एवरेज फाउंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, क्या मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं किसी भी चीज का। चलिए उसके बाद टू कंपेयर द डाटा, किसी भी डाटा को कंपेयर करने के लिए कि भाई इसके पास ज्यादा, जैसे किसी का मीन कोई डाटा हमने यूज किया उसका मीन ज्यादा आ रहा है, किसी डाटा का मीन कम आ रहा है, तो पूरे डाटा को कंपैरिजन करने के करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। समझा? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो एक विराट कोहली है, एक सचिन तेंदुलकर है, पूरी लाइफ टाइम में इन्होंने जितने जितने रन बनाए हर मैच में, अगर इसको कंपैरिजन किया जाए कि कौन ज्यादा ग्रेट है, तो हर कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, किसी में किसी ने ज्यादा बनाए, किसी में किसी ने ज्यादा बनाए। तो हम सिंपल मेथड क्या यूज करते हैं कि हम विराट कोहली का एक एवरेज निकाल लेते हैं कि इसने एक ओवर में मान लो या फिर एक क्या होता है मैच में कितने रन बनाए एवरेज, और ऐसे ही हम सचिन तेंदुलकर जी का क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। अब उसके हिसाब से कंपैरिजन कर लेते हैं कि इनका एवरेज ज्यादा है किसका एवरेज कम है, उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कौन ज्यादा बेटर है कौन ज्यादा कम बेटर है। सिंपल ना? हाँ जी, आगे चलते हैं। तो डाटा कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज फाइंड आउट करते हैं, या फिर हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड टेंडेंसी निकालते हैं। आगे चलते हैं, हेल्प टू कंप्यूट द वेरियस स्टैटिकल मेजर्स लाइक डिस्पर्जन, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस। जो ये है ना सेंट्रल टेंडेंसी, ये हेल्प करता है आगे भी प्रोग्रामिंग करने के लिए, आगे भी हमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, जैसे मेजर्स निकालने में डिस्पर्जन के, ठीक है भाई, मतलब डिस्पर्जन कैलकुलेट करने में। डिस्पर्जन क्या होता है, जैसे बचपन में आपने निकाला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और कोरिलेशन, मतलब ये सब चीजें करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमें स्क्यूनेस और कुर्टोसिस फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है, मूवमेंट्स फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है, जो आगे आने वाले टाइम पे हम सीखेंगे ये सब चीजें। अगला चैप्टर जो है आपका 3रा चैप्टर 4था चैप्टर, वो इन्हीं सब के ऊपर बेस्ड है।
बढ़िया, तो ये सब कैलकुलेट करने में, आगे प्रोसेस करने में ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सिंपल सर, हाँ जी, हमने ऑब्जेक्टिव भी सीख लिए। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे पहचानेंगे कि हम सेंट्रल टेंडेंसी का ही यूज कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी ही कैलकुलेट की जा रही है यहाँ पे। सुने, तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, फीचर कैसे, अरे तुम्हें फीचर नहीं पता क्या, फीचर क्या होता है, फीचर क्या होता है, ये दुनिया में हर किसी की कुछ ना कुछ खासियत होती है, उसी खासियत को फीचर बोला जाता है। समझे, जैसे इस डस्टर की खासियत क्या है, ये प्लास्टिक से बना है और ये मिटोने का काम करता है। समझे, जैसे कि मेरी खासियत क्या है, मैं एक लड़का हूं जिसके डोले शोले, सॉरी मेरे उतने नहीं है, मैं थोड़ा सा पतला हूं, ठीक है, हाँ जी। तो हर किसी की कुछ ना कुछ खासियत होती है, सिंपल ना भाई, वैसे ही इसकी कुछ खासियत है, किसकी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, सिंपल ना, बहुत अच्छे। वो कह रहा है भैया हर किसी की खासियत, अरे छोड़ो यार क्या टाइम पास करेंगे, है ना भाई, अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो हर किसी की कुछ ना कुछ खासियत होती है, ठीक है, और उसी को क्या हम बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। इतना सिंपल, बहुत अच्छे, चालू करते हैं। जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी की खासियत क्या है यहाँ पे, इट मस्ट बी रिजिडली डिफाइंड। जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या होनी चाहिए, रिजिडली डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा नहीं है कि सिंपल तरीके से हमने तुक्का मार के कोई भी वैल्यू बता दी, नहीं, अच्छे तरीके से, प्रॉपर वे में, बहुत मुश्किलात के साथ, मतलब अच्छे तरीके से हमने सारे डाटा का यूज करके एक बहुत यूनिक तरीके से हमने क्या करी है, बहुत मुश्किल से हमने निकाली है ऐसी वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू जो सारे डाटा को क्या कर सके, रिप्रेजेंट करे। तो मतलब जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या होनी चाहिए, रिजिडली डिफाइन होनी चाहिए, बहुत मुश्किल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हर डाटा का यूज करते हुए निकाली जानी चाहिए। समझ में, एक्सट्रीम वैल्यूज का यूज किया जाना चाहिए उसके अंदर। आगे चलते हैं, बेस्ड ऑन ऑल यूनिट वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना वो ऑब्जर्वेशन की सारी की सारी, मतलब जितने भी सारी वैल्यूज है ना, उन सारी वैल्यूज को यूज करके बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने दो तीन वैल्यूज ले लिया और उससे डाटा कलेक्ट कर लिया और हमने मीन, मीडियन, मोड निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया, कोई भी नहीं जी। मतलब कि एक अच्छा एवरेज उसको माना जाता है, एक अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी उसको माना जाता है जो ऑब्जर्वेशन की सारी वैल्यूज को हिसाब से अपनी चलते मेजरमेंट करता है और उस हिसाब से सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के देता है, फाइंड आउट करके देता है, ठीक है भाई। आगे जाते हैं, इट शुड बी इजिली अंडरस्टूड, यानी जो जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी होनी चाहिए ना वो आसानी से समझ में आनी चाहिए कि हाँ भाई इतना मीन है, इतना एवरेज है। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपका डाटा कुछ और कह रहा है और आपका एवरेज कुछ और आ रहा है। इसमें एक अच्छे तरीके से सिंपली अंडरस्टूड, मतलब अंडरस्टैंडेबल आपका डाटा होना चाहिए या फिर सॉरी सेंट्रल टेंडेंसी होनी चाहिए। इट केपेबल ऑफ बींग कैलकुलेटेड, ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी होनी चाहिए जिसको आप आराम से कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो। कई बार क्या होते हैं, मीन निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं, कोई भी निकाल देते हैं, वो बहुत ज्यादा पॉइंटों में चला जाता है या फिर पाई में चला जाता है वैल्यूज उसकी। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसकी, एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे हम कंपेरिजन कर सकते हैं, कंपेरेबल होनी चाहिए। इसमें हाँ जी, इजिली कैलकुलेटेड होनी चाहिए, आसानी तरीके से निकालने का कोई मेथड होना चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी को। चलिए, इट शुड बी स्टेबल, एक स्टेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि बार बार चेंज हो रही है, हल्का सा चेंज हो गया डाटा के अंदर और वो बहुत ज्यादा चेंज हो जा रही है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। एक स्टेबल वैल्यू होनी चाहिए जो कि हर डाटा को रिप्रेजेंट कर पाए सिंपल तरीके से, सिंपल भाई। हाँ, इट शुड बी केपेबल ऑफ फर्दर चलते हैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, यानी कि और भी ज्यादा अगर हम और कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उस डाटा को हम यूज कर सकते हैं। उस तरह की आपके पास एवरेज होनी चाहिए या फिर सेंट्रल टेंडेंसी होनी चाहिए जो कि आगे भी आपके लिए काम आती रहे अलजेब्रिक चलते हैं मैनिपुलेशन के अंदर, सिंपल। और भी जब आप यूज करोगे, क्रिप्टोसिस निकालोगे, एसक्यूएनएस निकालोगे, तो वहां पे आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो आगे यूज हो पाए, इसमें इसके काम आए। इसको बोलते हैं, ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, सेंट्रल टेंडेंसी की। एक अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी उसको बोला जाता है जो ये सब फीचर अपने पास रखता है, सिंपल सर। हाँ जी, मुबारक को, आपने जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन था इस चैप्टर के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी के, वो आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया और इसमें से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आया तो आया, वरना नहीं आएगा। आने के चांसेस अगर होंगे भी तो किसके होंगे, वो इसके होंगे, वरना इसके अलावा कुछ नहीं है। जब चैप्टर एंड होने वाला होगा तब उस टाइम पे क्वेश्चन आता है, छोटा सा, मतलब छोटा सा क्वेश्चन आता है कि बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है, तब उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ये वाला, और वो छोटा सा क्वेश्चन का जवाब मैं उस टाइम पे दूंगा, सिंपल सर। वैसे तो मीन ही कहते हैं कि सबसे बेस्ट जो होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक क्या तरीका होता है निकालने का, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे जो डाटा होते हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन आगे जब होगा, जब लास्ट टॉपिक होगा, तब मैं समझा भी दूंगा वो वहां पे, ठीक है भाई। हाँ जी, फिलहाल हमने क्या कर लिया, हमने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिया, हमने उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया। अब पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ एवरेज, एवरेज के टाइप्स, एवरेज कितने टाइप के होते हैं, समझिए। टाइप्स ऑफ एवरेज, एवरेज मतलब होता है वही सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज मतलब क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी। तो अगर मैं कहीं पे एवरेज वर्ड यूज कर रहा हूँ तो उसका मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी। तो समझिए, एवरेज क्या होता है, एवरेज हमेशा दो तरीके से निकलता है। एवरेज मतलब कोई भी डाटा जो कि रिप्रेजेंट करे सारे डाटा को, ठीक है, और वो निकालने के कितने तरीके हैं, वो दो तरीके हैं। पहला तरीका जो होता है उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट मेथड, एब्सोल्यूट मेथड,
या फिर दूसरे उसे बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है। अगला जो मेथड आता है उसे बोलते हैं पोजिशनल एवरेज, तो टाइप्स ऑफ एवरेज के अंदर दो तरीके के एवरेज निकलते हैं, दो तरीके से एवरेज निकलते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट या फिर मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा होता है पोजिशनल एवरेज। जो मैथमेटिकल एवरेज है ना इसमें निकलता है बस केवल मीन, इसमें क्या होता है बस केवल मीन। पोजिशनल एवरेज में जो पोजिशन के हिसाब से डिफाइन किया जाता है, जो पोजिशन के हिसाब से वो डिफाइन कौन सा होता है, वो होता है दो, यानी कि मीडियन भी और मोड भी, समझा है, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। पोजिशन एवरेज कौन से है, मीडियन और मोड, और जो क्या होते हैं एब्सोल्यूट या फिर जो मैथमेटिकल पोजिशन मतलब मैथमेटिकल एवरेज है वो कौन सा है, मीन, सिंपल था ना। हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ एवरेज कितने हैं, बस सारे तीन, कौन से, मीन, मीडियन और मोड। इसको बोलते हैं माध्य, ये होता है माध्यिका, कह रहा कौन पढ़ रहा है भैया हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ा दो ना, और ये होता है बहुलक, नहीं कुछ बच्चे होते हैं जो दसवीं ग्यारहवीं में पढ़ के आए हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं बहुलक, ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, बस ये तीन खाली एवरेज होते हैं, इनको बोलते हैं पोजिशनल एवरेज क्योंकि ये पोजिशन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेज क्योंकि ये आराम से कैलकुलेट होता है मैथमेटिक्स के वैल्यूज के हिसाब से, ठीक है भाई। अच्छा, मीन में भी दो तरीके की मीन होती है, सॉरी तीन तरीके की मीन होती है, पहली जो मीन होती है उसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन AM, दूसरी होती है GM, GM मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, लिख देता हूं अर्थमेटिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा भाई HM, HM का मतलब होता है हार्मोनिक मीन, तो अगर आपसे पूछे टाइप्स ऑफ मीन अब कितने होते हैं, तो टाइप्स ऑफ मीन होते हैं पांच, टाइप्स ऑफ मीन मतलब सॉरी टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितनी है वो, तो टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है पांच, पहला मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड, और मीन भी कौन सा कह रहा हूं मैं, अर्थमेटिक मीन, ये जो मीन है मीन मतलब मैं क्या बोलूंगा अर्थमेटिक मीन, भैया ये तो तीन हुए एक दो तीन, हाँ जी चौथा पांचवा ये वाला है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये भी मीन के टाइप्स में आते हैं आपसे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मीन कितने हो गए पांच, पहला अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तीन हो गए अलग, और पोजिशनल एवरेज कौन से हो गए, एक हो गया मीडियन और एक हो गया मोड, सिंपल, बहुत अच्छे। तो इस वीडियो के अंदर जो ये वीडियो चल रही है, इस वीडियो के अंदर हम केवल आज सीखेंगे अर्थमेटिक मीन की सारी वेरिएंस, आज खत्म करेंगे पूरा पूरा अर्थमेटिक मीन, उसके बाद हम चालू करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, और उसके बाद चालू करेंगे हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड, ये कल की वीडियो में बहुत सारा सारा मतलब ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे सारे कल होंगे। सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो अर्थमेटिक मीन का ही है, और वही खत्म करेंगे आज छोटा सा टॉपिक फटाफट से करके, क्योंकि आप बचपन से अर्थमेटिक मीन ही सीखते आ रहे हो, सिंपल है। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए, जिसको परचेज करना है नोट्स वो नोट्स परचेज करिए, ठीक है। मैं मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि सिंपल ना, और अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई सब दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से इतना मजा आता है ना, इतनी खुशी मिलती है ना कि आपने पहले से कर रखा है, जब आप कमेंट करते हो नीचे भैया पहले से कर रखा था आपके कहने में, तो भाई मजा आता है। तो अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच में भाई दिल से, कलेजों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। और आपने नहीं किया कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी हैं आप भी हो, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तो फटाफट से जिसको नोट करना है नोट करिए फटाफट से, ठीक है भाई, चलिए। हाँ भाई शुक्र है फिर, चलिए फिर, तो शुक्र थे। अब टॉपिक का नाम आता है, अच्छा हाँ जी, अब हमें सीखना है मीन, क्योंकि अभी तक हम टाइप्स ऑफ मीन सीख चुके हैं, अब हमें सीखना है मीन और उसके टाइप्स जो भी होते हैं, ठीक है, वो वाला टॉपिक। तो समझिए मीन समझने के लिए इससे पहले ना आपको एक बार सीरीज समझनी पड़ेगी वापस से, जो हमने टॉपिक किया था ना सीरीज वाला, वो सीरीज वाला समझो। सीरीज वाला हमने समझाया क्या था, सीरीज हमेशा दो तरह की होती है, पहली सीरीज होती है इंडिविजुअल, ठीक है, जिसके अंदर केवल एक वेरिएबल होता है, जैसे दो तीन चार, दो तीन पांच, चार तीन दो, इस तरीके से कोई भी डाटा देगा, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसी के दो पार्ट होते हैं, असेंडिंग सीरीज और डिसेंडिंग सीरीज, ठीक है भाई। आज आरोही श्रृंखला और अवरोही श्रृंखला, इसी के दो पार्ट होते हैं। दूसरी सीरीज, दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज, है ना। फ्रीक्वेंसी सीरीज की खास बात क्या होती है,
इसमें कोई ना कोई वेरिएबल तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज के भी कितने पार्ट बताए थे मैंने, दो। पहला पार्ट जो आता है वो कौन सा आता है, वो आता है फ्रीक्वेंसी एरे, फ्रीक्वेंसी एरे, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, एक ऐसी सीरीज जिसमें एक्स और एफ दोनों होता है, यानी कि दो तीन चार पांच कुछ भी ऐसा लिख दिया, दो नौ एक चार कुछ भी लिख दिया वैल्यू, तो जिसमें एक्स वेरिएबल है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। दूसरी सीरीज होती है हमारी कौन सी सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होता है, जिसके अंदर क्लास इंटरवल तो है, उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, इस तरह की जो सीरीज दे देंगे और उसे बोलेंगे हम क्या, कॉन्टिन्यूस सीरीज। जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसके कितने पार्ट होते हैं, ये पहले समझा चुका हूँ। कॉन्टिन्यूस सीरीज के कितने पार्ट होते हैं सर, पता है आपको? हाँ जी पता है भैया, कॉन्टिन्यूस सीरीज के होते हैं भैया पांच पार्ट। हाँ जी पांच पार्ट। पहली सीरीज होती है कौन सी, एक्सक्लूसिव सीरीज। कौन सी सीरीज, एक्सक्लूसिव अपवर्जी श्रृंखला, जिसको मैंने बताया था क्लास इंटरवल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसी सीरीज होती है, 2, 4, 1, 3, मतलब कुछ भी डाटा लिख देंगे। उसके बाद होती है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव सीरीज, जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पे जो क्लास इंटरवल होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, जैसे 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29, इस तरीके से, मतलब पहली क्लास की अपर लिमिट दूसरी क्लास की लोअर लिमिट के बराबर नहीं होती, एक्सक्लूसिव सीरीज में दोनों बराबर होती है, ठीक है। तीसरी सीरीज होती है भैया ओपन एंडेड सीरीज, लिख देता हूं ओपन एंडेड सीरीज। और जो चौथी सीरीज होती है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिसके अंदर हमने लेस देन और मोर देन वाली सीरीज सीखी थी, ठीक है भाई, लेस देन और मोर देन सीरीज सीखी थी, और उसके बाद हमने सीखी थी मिड वैल्यू सीरीज। कौन सी सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज। ये पांच तरह की सीरीज है जो हमने पहले से सीख चुके हैं, सुनना है बहुत अच्छे, ये पांच तरह की सीरीज थी जो हम पहले से सीख चुके हैं। और जब मैंने ये सिखाया था, मैंने ये भी सिखाया था साथ साथ कि इस सीरीज को इसमें कैसे चेंज करना है, इन सभी सीरीज को इसमें कैसे चेंज करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज को मतलब कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कैसे चेंज करना है, मिड वैल्यू सीरीज को एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करना है, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करना है, मतलब मैंने चेंज करना भी साथ में सिखाया था उस टाइम पे, और सीरीज भी सिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, पहली जो वीडियो होगी उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको ये सब चीजें सिखाई है, समझ में आ गया। आप अच्छे तरीके से कर लोगे तब आप इस पे आना, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्यों समझो। अब हमको सीखना है मीन निकालना, तो मीन निकालना ज्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि हम हर एक तरह की सीरीज के लिए अलग अलग तरीके से मीन निकालेंगे तो बहुत सच में मुश्किल हो जाएगा, तो हम हर सीरीज के अलग अलग तरीके से मीन नहीं निकालेंगे। देखो मैं जो आपको मीन निकालना सिखाऊंगा, पहली चीज मैं सिखाऊंगा इंडिविजुअल सीरीज का, हम तीन सीरीज का बस मीन निकालना सीखेंगे, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, ओके भाई बैच ठीक। तो अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालना सिखाऊंगा तो आपका सारा चीजें क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, सिंपल सर। उसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको फ्रीक्वेंसी एरे, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज का मीन निकालना, तो आपको सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको एक्सक्लूसिव सीरीज का मीन निकालना, इन सीरीज का मीन निकालना मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अगर ये वाली सीरीज आई तो कुछ नहीं करना, इन सभी सीरीज को मैंने सिखाया कि एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे चेंज करते हैं, फिर इन सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर दोगे, और मैं इस सीरीज का मीन निकालना आपको आराम से समझा ही रहा हूं, तो आप आराम से इसका मीन निकाल सकते हो। तो बस आपको तीन सीरीज का मीन सीखना है, एक इंडिविजुअल सीरीज का, एक फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज का, और एक एक्सक्लूसिव सीरीज का। जैसे आप इन तीनों का मीन निकालना सीख लोगे, आपका पूरा ये आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगी, समझ गया? नहीं, एक टॉपिक रह जाएगा, एरर और कंबाइंड मीन निकालना, समझ गया? हाँ जी, तो मीन निकालना सीखेंगे वो भी इन तीन सीरीज का, इन सब का नहीं निकालना सीखेंगे, बस इन सबको चेंज करना होगा आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में, फिर आप इजिली मीन निकाल पाओगे, सिंपल। इसका तो मीन निकालना सिखा रहा हूं मैं एक्सक्लूसिव सीरीज का, और इन सबको मैंने इसमें चेंज करना सिखाई दिया, तो इन सबको पहले इनमें चेंज करना और उसके बाद मीन निकाल लेना, सिंपल, बहुत अच्छे, परफेक्ट। एग्जाम भी ऐसे करना है, इसी तरीके से नंबर मिलते हैं। फिलहाल तो हमको सीरीज, कितनी सीरीज का मीन निकालना सीखना है, पहला इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालना सीखना है, फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज का, और फिर एक्सक्लूसिव सीरीज का। चलिए शुरू करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के साथ मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है भाई, चलिए समझो ध्यान से। मीन हमको सीखना है मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, आपको डाटा दे रखा है, एक डाटा है जैसे एक्स, एक क्लास में बच्चे कितने रुपए लेके आए हैं अपनी जेब खर्ची के, ठीक है, एक बच्चा लेके आया 10 रुपए, एक बच्चा लेके आया 20 रुपए, एक बच्चा लेके आया 30, एक बच्चा लेके आया 40, एक बच्चा लेके आया 50, कह रहा है भैया इसका मीन कैलकुलेट करिए। ये इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, केवल एक एक्स वेरिएबल है इसके अंदर, सिंपल।
इसका मीन कैसे निकालना है, जो आप बचपन में करा करते हैं बिल्कुल वही सेम। तो मीन कैसे निकलेगा, जो भी इंडिविजुअल सीरीज है और मैं फॉर हुआ यहां पे ध्यान से, इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज अगर देखिए तो डायरेक्टली आप कैसे फॉर्मूले से मतलब कि आपका मीन निकाल सकते हो, तो समझिए जैसे बचपन में क्या करते थे मीन निकालने का तरीका, इसको बोलते हैं मीन का साइन, मीन का सिंबल। और वो कैसे निकलता है, बस खाली आपको लिखना है ऊपर टोटल और नीचे लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशन और नीचे लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो टोटल आया इन सबका उसको लिखेंगे ऊपर और जो नंबर आया गिनने के बाद वो लिखेंगे यहाँ पे टोटल के तौर पर, सिंपल। हाँ जी, तो इसका टोटल करेंगे, टोटल कितना हो गया, तो आप आराम से देखोगे तो इसका टोटल हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150। और अगर नंबर गिनोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी पांच नंबर है, यानी कि 5 यहाँ पे आ गया, सिंपल। आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका मीन कितना आ गया 30, ये बन गया आपका मीन, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। तो डायरेक्ट मेथड का मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बटे में नंबर, सिंपल, बहुत अच्छे। लेकिन अब इसी चीज को चेंज कर दिया इन्होंने और अब यूज करना है स्टैटिकल टर्म्स। स्टैटिकल टर्म्स मतलब क्या है, ऊपर हम टोटल कर रहे हैं, किसका टोटल कर रहे हैं, हम एक्स वेरिएबल का टोटल कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे हम एक्स का टोटल कर रहे हैं, यानी इसको बोलेंगे हम सिग्मा एक्स, कितना आया हमारा 150, तो आपको लिखना है ऊपर हमने सिग्मा एक्स किया यानी कि एक्स का टोटल किया। उसके बाद नीचे नंबर कर रहे हैं मतलब नंबर लिख रहे हैं यानी एन, बस खाली नॉर्मल वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा एक्स बटे में एन, मीन का सबसे पहला डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, क्या मीन आ गया आपका 30, सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपका हो जाए तो नीचे कमेंट करके बता देना कि आपका मीन कितना आ रहा है, सिंपल, बहुत अच्छे, समझिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, करिए क्या रहा है, वेरिएबल आपको दे रखा है 100, नहीं थोड़ा सा मुश्किल दे देते हैं आपको, ठीक है, अरे बड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे नहीं लिखते ना, 100 की जगह आपको दे रखा है कितना, 90, 80, 100, 110, 120, कह रहा है निकालिए मीन, क्या निकालना है आपको, मीन करिए भाई, बस वही डायरेक्ट मेथड से जैसे आपने किया बचपन से, ठीक है भाई, करिए। तो भाई वीडियो को पॉज करें ना और आराम से लिख लेना, जो भी आपका मीन आए वो कैलकुलेट करके बता देना। हो गया वो, बहुत अच्छे भाई, मेरे हिसाब से आपने टोटल कर लिया और सॉल्व कर लिया, आपका आंसर कितना आया होगा, लगभग 100 के आसपास, ठीक है, हां ये 100 ही आंसर आया मेरे को पता है। चलिए इसका एक और तरीका होता है मीन निकालने का, बच्चे कहेंगे भैया एक और तरीका, हाँ जी एक और तरीका, उसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो मैंने जो भी डाटा दिया वो एक ही वेरिएबल है, यानी कि ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, है ना। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें भैया ये वैल्यू कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, अगर हमने कैलकुलेशन में टोटल करने में गलती कर दी तो फिर बहुत जल्द दिक्कत हो जाएगी, हाँ जी अगर आपने गलती कर दी तो दिक्कत जाएगी। एक छोटा तरीका भी है, इस वैल्यू को आप पहले छोटा बना लो, वो छोटा कैसे बनाएंगे, जब आप यहाँ पे निकालोगे डी, क्या निकालोगे डी, कई बार एग्जाम्स में यहाँ पे लिखा होता है डी एक्स, तो आप चाहे तो डी एक्स लिख लो चाहे आप नॉर्मल डी लिख लो, तब भी बात सिंपल है, सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं डी, तो याद रखना डी हमेशा कैसे निकलता है, डी निकलता है एक्स माइनस में ए करके, डी कैसे निकलता है x माइनस में a करके। भैया यहां पे a का मतलब क्या है, a का मतलब होता है assumed mean, एक ऐसा mean जो हमको लगता है कि mean होने का हकदार है, मतलब इनमें से कोई सी भी वैल्यू उठा दो उसे assumed mean बोल सकते हो, और जरूरी नहीं है कि इनमें से उठाओ, आप इसके अलावा बाहर से भी पूरी दुनिया में से भी कोई सी भी वैल्यू, कुछ टीचर है जो बता देते हैं हाँ जी इन्हीं में से आपको वैल्यू उठानी, इसके अलावा भी आप बाहर से भी कहीं से भी कोई वैल्यू उठा सकते हो तब भी आपका आंसर सेम ही आए, ठीक है। अच्छा तो एज्यूम मीन के तौर पे मैं कितना मानू, हाँ जी भैया मर्जी आपकी, जो भी मर्जी मान लो, नहीं आपकी मर्जी आप बताओ, वो कह रहा भैया 110, चलो जी 110 को हम मान लेते हैं एज्यूम मीन, तो मैंने एक इसको मान लिया एज्यूम मीन किसको 110 को, अब सॉल्व करते हैं एक बार, देखते हैं ध्यान से क्या हमारा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, तो देखो करना क्या है, हमें क्या करना है एक्स में से एक माइनस करना है, यानी कि ये जो 90 है 90, तो क्या करेंगे 90 माइनस में ए कितना था 110, क्या आंसर आएगा इसमें से चला गया तो आपका आंसर आया 20, दोनों में से बड़ा कौन सा है 110, तो जो माइनस का निशान लगा था वही माइनस का निशान इसके आगे रहेगा, यानी इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया माइनस का 20, सिंपल। एक बार वो समझते हैं, एक्स में से एक घटाना है यानी 80 में से, ये एक्स ही तो है सारे सारे, 80 में से आपको क्या घटाना है ए, किसको माना था हमने 110 को, यानी आप 80 में से माइनस करोगे 110 और 80 में से 110 का कितना बच गया 30, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन सा है 110, तो उसका निशान लगेगा यानी कि माइनस का 30, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आया
माइनस 30 ऐसे 100 में से 110 गया माइनस का 10, 110 में से 110 गया, समझ रहे हो, 110 माइनस में 110 तो आंसर क्या आ गया 0, समझ रहे हो, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया 0, और इसको सॉल्व करने पे 120 माइनस में 110 तो क्या आंसर आया 10, दोनों में से बड़ा कौन सा है 120, तो इसी का निशान रहेगा यानी कि प्लस का 10, सिंपल था। अब देखो अब आपकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी हो गई, छोटी छोटी वैल्यूज आ गई, सिंपल। अब बस सेम वही करना है, आप कैसे निकालते थे मीन, टोटल करके नंबर से डिवाइड करना है, बस वही करेंगे और वही सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल, तो इनका टोटल करो, देखो क्या हो गया, तो ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू, ये तो आपस में कट जाएंगे, हाँ जी, तो 30 और 20 कितना हो गया 50, माइनस 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 ही रहेगा, बस हमने टोटल कर दिया, टोटल आ गया 50। मैंने बोला ना टोटल करके नंबर से डिवाइड करो, नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, पांच ही वैल्यू है, तो 5 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया मीन का, यानी आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना आ गया 10, वो भी कौन सा माइनस का, समझ में आया, आपका आंसर क्या है माइनस का 10। वो कह रहा है भैया हमने जो मीन निकाला था वो मीन और ये वाला मीन तो सेम आया ही नहीं, आंसर मैच हुआ ही नहीं। देखो बताता हूँ क्या हुआ, आपने जो एज्यूम्ड मीन था वो माइनस किया था ना सम में से, हाँ जी हमने माइनस किया था भैया, जब लास्ट में आपने सम में से माइनस किया ताकि डाटा आपका छोटा हो जाए तो आपका आंसर तो अलग आएगा, जाहिर सी बात है, तो आपने जब ए को एज्यूम्ड मीन को माइनस किया था सम में से, तो जब आपका आंसर आएगा उसमें आपको एज्यूम्ड मीन को प्लस करना पड़ेगा। एज्यूम्ड मीन मतलब कौन सा, जो आपने वैल्यू को एज्यूम किया था 110, 110 आपने सम में से माइनस किया था ना, इस बार वापस प्लस कर दो, 110 को प्लस करना है आपको, 110 को प्लस करना है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है, तो ये माइनस ही हो जाएगा अपने आप, 110 में से 10 गए, आपका आंसर कितना आ गया 100, आपका आंसर कितना गया 100। अच्छा भैया फॉर्मूला बता दो एक बार, फॉर्मूला कैसे बना, हमको फॉर्मूला से समझाता है, कोई बात नहीं समझो, हमने क्या किया टोटल किया और नंबर से डिवाइड किया, किसका टोटल किया हमने डी का, एक्स का टोटल नहीं किया हमने, किसका टोटल किया डी का, यानी कि ये क्या है, ये है सिग्मा डी, डी का टोटल, तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया सिग्मा डी अपॉन में एन, नंबर से डिवाइड किया इसको, और जो लास्ट में आपका आंसर आया था उसको हमने प्लस कर दिया किसके, एज्यूम्ड मीन से, यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, शॉर्टकट मेथड क्या बन गया, ए प्लस में सिग्मा डी अपॉन में एन, ये आपका बन गया एज्यूम्ड मीन का, मीन निकालने का फॉर्मूला, वो भी कौन सी सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का, समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, पक्की बात, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। चलिए जी इसके बाद कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन, बढ़िया, एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ या तो समझा ही देता हूँ, दोबारा समझो, तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके से, कितना 999 998 1001 1004 1003, इस तरीके से कोई डाटा दे रखा है, कह रहा है इसका मीन निकालिए, तो मीन निकालने के लिए मैंने बोला है चाहे इसमें से लो चाहे बाहर से भी लो, मर्जी आपकी, कोई भी डाटा है इसको देखो, बड़ी बड़ी वैल्यू में वो कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो जाएगी, मैं घबरा जाता हूँ भाई, नो डर लगता है बहुत ज्यादा इससे, ठीक है, मेरे से इतनी बड़ी वैल्यू सॉल्व नहीं होगी, तो मैं क्या करूंगा छोटा कर लूंगा, मैं खाली एक्स में से माइनस कर लूंगा, ए ए मतलब एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड किसको करूं, मर्जी है चाहे इसमें से करो चाहे बाहर से कर लो, मैं 1000 को एज्यूम कर लेता हूं, लो ए मतलब एज्यूम्ड, हमारा कितना हो गया इस बार 1000 हो गया, मर्जी आपकी कहीं से भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, तो 999 में से 1000 गए बच गया कौन सा माइनस का, 998 में से ये गए तो बच गया माइनस का 2, इसमें से गया 1, इसमें से 1000 गए 4, इसमें से 1000 गए 3, हो गई मेरी वैल्यू छोटी छोटी, सिंपल ना, अब सॉल्व कर दो, फॉर्मूला क्या था मीन का, मीन का फॉर्मूला था भैया टोटल बटे में नंबर, इसका टोटल कर लो कितना हो गया टोटल, तो मैंने देखा भैया माइनस से कट गया, 2 से ये यहाँ पे 4 कट गया तो 2 बच गया, 3, 2, 5, यानी टोटल कितना आ गया 5, तुम्हारा टोटल आया 5, इसको किससे डिवाइड करना था नंबर से, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या आंसर आया भैया 1 आंसर आ गया, नहीं जी गलत हो जाएगा, आपने एज्यूम को माइनस किया था ना सब में से, तो वापस प्लस भी तो करो, तो 1000 को जो मैंने माइनस किया था सब में से वापस प्लस भी कर दूंगा, तो प्लस में 1000 करना पड़ेगा, 1000 को लास्ट में प्लस कर दोगे तो फिर आपका आंसर कितना आ गया 1001, ये आपका मीन आ गया। कैसे निकाला भैया जी, वही फॉर्मूला लगाया मैंने, सिग्मा डी यानी कि डी का टोटल किया, इसको बोलते हैं सिग्मा डी यानी कि डी का टोटल, सिग्मा होता है सम, और उसको नंबर से डिवाइड किया, बस लास्ट में आपने प्लस कर दिया एज्यूम को, तो ये मिल जाता है आपका शॉर्टकट मेथड, वो भी कौन सा, इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है भाई, हाँ जी, तो मुबारक हो आपकी इंडिविजुअल सीरीज पूरी तरीके से हमने खत्म कर दी, समझा गया, जिसको नोट करना है भाई नोट करिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं फटाफट से, कर लिया भाई नोट, चलिए फिर आगे चलते हैं, समझो ध्यान से, अगली जो सीरीज आती है वो कौन सी है भाई, अगली है फ्रीक्वेंसी सीरीज, फ्रीक्वेंसी एरे जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, अच्छा ये शॉर्ट मेथड क्या, आपके दो फॉर्मूले हो गए, अरे ये तो मेरे दिया इंडिविजुअल, दूसरी सीरीज भाई, दूसरी सीरीज है फ्रीक्वेंसी एरे, एक सेकंड भाई थोड़ा सा ये कर लेता हूँ ना, मतलब इंगे डाल लेता हूँ,
हाँ भाई श्योर है, चलिए कोई नहीं, तो गायब हो गए भाई, तो फटाफट से दूसरे मार्क लेके आए तब करो। हाँ जी श्योर थे, फ्रीक्वेंसी एरे या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। पहला करेंगे डायरेक्ट मेथड, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन आएगा इसी मेथड का यूज होता है हर जगह पे, जबकि जो क्लास वो वाली सीरीज है ना एक्सक्लूसिव सीरीज उसमें भी इसी मेथड का रोल है मेन। तो अगर आपने ये मेथड समझ लिया तो वो वाला मेथड भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा समझते हैं फिलहाल से कैसा डाटा दे रखा आपको। तो पहला क्वेश्चन समझो, डिस्क्रीट सीरीज का खास बात होती है कि यहाँ पे एक्स के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी देता है। तो यहाँ पे दे रखा आपको 0 से 10, 10 से 20, सॉरी उल्टा बोल दिया, यहाँ पे दे रखा आपको 10, 20, 30, 40, इस तरीके से डाटा दे रखा है। फ्रीक्वेंसी 2, 4, 1, 3 आपको ये दे रखी है, ठीक है। और आपसे कह रहा है निकालिए मीन, कैलकुलेट क्या करना है आपको, मीन कैलकुलेट करना है। तो सिंपल तरीके से मीन निकालते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो मीन कैसे निकलता है समझो, हमको पता है इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन हमने एक छोटा सा तरीका निकाला है। क्या, जब भी मीन निकालना होता है तो हमें करना पड़ेगा क्या, मल्टीप्लाई, टोटल और डिवाइड। याद रखना ये फॉर्मूला जो है ये हर जगह पे लगेगा, चाहे कोई सा मेथड लगा रहो, मल्टीप्लाई, टोटल, डिवाइड। बस इंडिविजुअल सीरीज को छोड़ के मल्टीप्लाई, टोटल, डिवाइड हर जगह पे होगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस याद रखना टोटल किसका करना है, टोटल हमेशा फ्रीक्वेंसी का करना है। किसका करना है, फ्रीक्वेंसी का। याद रखना ये एक्स है, कभी भी याद रखना एक्स को नहीं छेड़ना चाहिए। मेरे को पता है तुम एक्स के ऊपर पड़े रहते हो, एक्स के पीछे पड़े रहते हो, मगर एक्स को नहीं छेड़ना, समझ रहे, एक्स को नहीं छेड़ना। हमेशा किसको छोड़ सकते हो, आपको छेड़ना है तो आप एफ को छेड़ो, समझ में। किसको छेड़ोगे, अपने फ्रेंडों को छोड़ो, फ्रेंड को परेशान करो मगर एक्स को परेशान नहीं करना, समझ में। ठीक, हमेशा किसी को नहीं, किसको छेड़ेंगे, हमेशा फ्रीक्वेंसी को, यानी जो टोटल करोगे तो हमेशा किसका करना है, फ्रीक्वेंसी का। कभी भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए हमेशा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, उल्टा बोल दिया। हाँ जी फ्रीक्वेंसी का हमेशा टोटल करना है आपको, एक्स्ट्रा टोटल नहीं करना, सिंपल सर। चलिए वापस चलते हैं वापस टॉपिक पे अपने, शुक्रिया। चलिए कहते भाई, तो मेन चीज क्या है, फॉर्मूला हमारा कहता है मल्टीप्लाई, टोटल, डिवाइड। तो सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किसको करें, दो ही तो वैल्यू दे रखी है, बस इन्हीं को मल्टीप्लाई करो। हाँ जी, तो हम एफ और एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, देखो 10 गुणा में 20, 2 4 = 80, ठीक है भाई, 3 1 = 3, 4 3 = 12, 120 मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, टोटल, टोटल मैंने किसका बोला, हमेशा एफ का टोटल करो फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, एक तो यहाँ पे एफ आ रहा है, देखो ये एफ, इसका टोटल करना है, यहाँ पे एफ है इसका टोटल करना है, इसका एफ है नहीं है भाई तो छोड़ दो मत करो टोटल, समझ में। आज खाली फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, तो इसका टोटल कितना हो गया 10, इसका टोटल कर लेते एक बार, 80 और 20 100 100 120, मतलब 100 100 200 200, और ये हो गया 250, सिंपल। बस अब हमें क्या करना है, डिवाइड, बस। तो मीन कैसे निकलेगा, मीन बस वही है, जैसे आप डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने के लिए है क्या, आपने यही दोनों वैल्यू निकाली है, बस इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दो। यानी हम कैसे निकालेंगे, 250 को डिवाइड करके किससे, 10 से। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे आपका मीन निकल के आ गया 25, सिंपल है। कैसे करा, मल्टीप्लाई, टोटल, डिवाइड। बस टोटल किसका कहता है, फ्रीक्वेंसी का। कैसे किया, मल्टीप्लाई, टोटल, डिवाइड करने में जो भी आपका आंसर आया उसको डिवाइड कर दिया, लास्ट में आपका आंसर आ गया, इसी को बोलते हैं मीन। और ये कैसे निकाला मैंने, मैंने इसको, यानी कि क्या है, fx का टोटल, यानी कि सिग्मा fx को मैंने डिवाइड कर दिया किसके टोटल से, फ्रीक्वेंसी के टोटल से, यानी सिग्मा f से। इसको बोलते हैं सिग्मा fx और इसको बोलते हैं सिग्मा f, सिंपल। और ये बन गया आपका मीन का फॉर्मूला, क्या बन गया आपका, मीन का फॉर्मूला। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, ये फॉर्मूला है मीन का, सिंपल। तरफ कोई दिक्कत तो नहीं मेरे हिसाब से भाई, मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया, आपको समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जब प्रैक्टिस करेंगे तब अच्छे तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, न्यूमेरिकल के तरीके से। और आप बचपन से सीखते भी आ रहे हो तो आप आराम से कर भी लोगे। क्या करना है, बस खाली मल्टीप्लाई, टोटल और डिवाइड, बस। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस लिटरली बता रहा हूँ, बस खाली कंसेप्ट समझ लो आपको सब चीज याद हो जाएगी। ये फॉर्मूले तो मैं खाली ढकोसलेबाजी के लिए कर दे रहा हूँ, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस खाली मल्टीप्लाई, टोटल, डिवाइड, छोटा सा टॉपिक याद कर लो, आपको सब चीज याद करवा दूंगा मैं, सच बता रहा हूँ। मीन आपको पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। बस ये याद करना है, मल्टीप्लाई, टोटल, डिवाइड। आगे चलते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, यही पकड़ लेते हैं चलो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के साथ, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन समझिए, इस बार आपको एक्स दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 100 200 300 400, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 3 4 1, और क्या रहा है, निकालिए मीन। तो मीन कैसे निकालेंगे भैया, ये वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको कोई छोटा तरीका निकालो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई मेरे को आता नहीं है भैया। ये जो 100 का मल्टीप्लाई ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, हमसे हो नहीं पाता है। कोई बात नहीं सर, इसको छोटा कर लेते हैं,
और छोटा क्या करना यार। अच्छा इसको थोड़ा सा ये तो इजी इजी डाटा हो गया ना, थोड़ा सा और मुश्किल लेते हैं। बच्चे बोलेंगे भैया मुश्किल डाटा नहीं दिया, मुश्किल ले लेते हैं सर। यहाँ पे कर दो 90, यहाँ पे कर दो 100, यहाँ पे कर दो 110, यहाँ पे कर दो 120। अब तो ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल डाटा हो गया। फिर बहुत मुश्किल हो गया भैया, मजा आ जाएगा आपका मुश्किल डाटा देखते थे। बहुत सिंपल सर करते हैं फिर अपन। समझिए भैया वो कह रहा भैया 90 का पढ़ा नहीं आता मेरे को, 100 का पढ़ा नहीं आता, 120 का पढ़ा नहीं आता, और मुश्किल कर दो 95 कर दो 98 कर दो, सेम तरीके से आपको ऐसे करना है। वो कह रहा कर दो भैया हमारा करना है। लो जी कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 98, ये हो गया 99, ये हो गया 100, ये हो गया 101। सिंपल अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बुरा तो नहीं मान जाओगे ठीक। अब इतना भी डाटा है ना, तब भी वो कह रहा भैया मल्टीप्लाई करना नहीं आता, फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाती है। मैं बता रहा हूँ सिंपल तरीका है, छोटा तरीका है। अगर आपको लग रहा है कि एक्स की वैल्यू बड़ी हो चुकी है, एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी सिखाया है। एक्स से मल्टीप्लाई मत करो, एक्स की जगह क्या निकाल लो, डी निकाल लो। एक्स की जगह क्या निकाल लो, डी। अब हमें एक्स की जरूरत नहीं है, एक्स की हम क्या लिखेंगे, डी। और डी निकालते कैसे पता है आपको, एक्स में से एज्यूम्ड माइनस करके। बस करना क्या है, इनमें से कोई सी, इनमें से भी क्या, इनमें से बाहर से भी कोई सी एक वैल्यू को आपको एज्यूम कर लेना है बस। मैं बस एज्यूम करना है किसी वैल्यू, चालू करें बस। मेरी मेरी बात मानते हो तो, मेरी बात मानते हो, एक छोटी सी बात मानते हो, एज्यूम अगर करना है तो किसको एज्यूम करें। देखिए इनमें से जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी ना, उसकी वैल्यू एज्यूम कर लेना बस। मेरी अगर बात मानते हो बस इतना कर लेना, जो भी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है उसकी वैल्यू एज्यूम कर लेना। मेरे को ये दिख रही है 4, तो मैं इसी की वैल्यू को एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये मैंने एज्यूम कर लिया। सिंपल अब सॉल्व करना चालू करो, मेरी बात मानते हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई सी वैल्यू एज्यूम कर लो, यहाँ से बाहर से मर्जी आपकी, लेकिन मेरी अगर बात मानते हो तो ऐसे कर लेना। इससे क्या होगा समझता हूँ, देखो सॉरी एक्स में से आपको ए माइनस करना है, 98 में से 100 गए 2 बच गया, वो भी माइनस का, 98 में से 100 गए माइनस का 1, 100 में से 100 गए 0, और 100 में से गया 101 तो ये बच गया 1। इसमें मैंने क्या बोला, अब आपको इतने बड़े एक्स की वैल्यू की जरूरत नहीं है, आप इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन मत करो, समझा। इसको आप छोटा बना लो, क्या बना लो, डी बना लो। डी मतलब क्या होता है, छोटा बना लीजिए, सिंपल। अब बस इसकी जरूरत है आपको, इतनी बड़ी कैलकुलेशन की, इतनी बड़ी वैल्यू की आपको जरूरत नहीं है, केवल इसकी जरूरत है बस। अब क्या करेंगे हम, वही अपना फॉर्मूला, मल्टीप्लाई टोटल डिवाइड। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, दो डाटा दिख रहे हैं, हाँ जी, एक्स को तो हमने गायब नहीं कर दिया, क्योंकि एक्स को हमने किस में चेंज कर दिया, डी में। अब एक्स गायब हो गया, एक्स है ही नहीं, तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई टोटल डिवाइड। अब बस मल्टीप्लाई करो, टोटल करो, डिवाइड करो, बस खाली। किसको मल्टीप्लाई करें, बस ये दोनों वैल्यू है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, एफ और डी को। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एफ और डी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो करो 2 2 4 माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस, 4 0 0। अच्छा मैंने क्यों बोला था कि सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू होगी उसको बना लेना, मतलब उसको डी ए मान लेना, एज्यूम बी मान लेना, क्योंकि देखो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको अपने एज्यूम कर लिया, तो उसमें से जब उसी को उठाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू में 0। और जैसे यहाँ पे 0 आ गया तो हाईएस्ट वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा, हाईएस्ट वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी, वहां पे मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आ जाएगी, तो आपका इजी स्टेप हो जाता है, इजी कैलकुलेशन हो जाती है। जो भी वैल्यू आपको लग रही है मल्टीप्लाई करने में मुश्किल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी में, उसी के सामने वाले वैल्यू को आप एज्यूम कर लेना। चलिए समझते, वरना आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो, आपका तरीका वही है, बस खाली गलती मत करो तो ठीक है। 1 1 1 तो आपका ये सॉल्व हो गया। अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होता है, जो मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, टोटल। तो टोटल करो, लेकिन किसका टोटल, हमेशा फ्रीक्वेंसी का। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, हाँ तो इसका टोटल करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है नहीं, यहाँ पे केवल डी लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी, तो इसका टोटल नहीं करना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, हाँ जी फ्रीक्वेंसी है, तो इसका भी टोटल कर लेंगे, बस इन दोनों टोटल करना है। करो तो सॉल्व, तो गया 4 और 3 कितना हो गया, 7, लेकिन ये माइनस के है, ये प्लस का है, कट जाएगा आपस में, तो कितना बचेगा, माइनस का 6। यहाँ पे कितना हो गया टोटल, ये हो गया 10। सिंपल, अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई भी कर लिया, टोटल भी कर लिया। अब क्या करना है लास्ट स्टेप, डिवाइड। तो डिवाइड कर लेते हैं किस किस को, माइनस 6 को किस से, 10। आपका आ गया माइनस का 0.6। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, बस लास्ट में याद रखना जो आपने एज्यूम्ड को माइनस किया था वो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, उसे वापस प्लस करना पड़ेगा। जो आप सभी वैल्यू में से घटाते जा रहे थे एज्यूम्ड मीन को, उसको आपको लास्ट में प्लस करना पड़ेगा। तो आपने किसको एज्यूम किया था, 100 को, वो 100 यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस। लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस तो कहने का ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा। तो यानी कि 100 माइनस में 0.6 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99.4। तो आपका आंसर क्या आ गया, मीन का 99.4। ठीक है, और आपने कैसे लिखा, अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिखिए, इसको बोलते हैं हम शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। ठीक है भाई, शॉर्टकट मेथड से कैसे निकाला, हमने हमने 6 को डिवाइड किया 10 से, 6 क्या था, एफ डी का टोटल, यानी कि हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा लग लेता हूँ, सिग्मा एफ डी, सॉरी
सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। हाँ जी, ये कैसे निकाला हमने, सिग्मा एफ डी को हमने डिवाइड कर दिया किससे, सिग्मा एफ से। देखो सिग्मा एफ डी को सिग्मा एफ से डिवाइड किया, ये क्या है एफ डी का टोटल यानी सिग्मा एफ डी, ये क्या है एफ का टोटल यानी सिग्मा एफ। ठीक है भाई, दोनों डिवाइड कर दिया, बस लास्ट में हमने क्या कर दिया प्लस ए को, एज्यूम डिमीनिंग को। तो ये बन गया आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, इतना सिंपल भाई। ये था शॉर्टकट मेथड का आपका मीन निकालने का तरीका, सिंपल था ना, बहुत अच्छे। आप जिसको नोट करना है नोट करिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भाई चलो आगे, बहुत अच्छा परफेक्ट, अच्छे तरीके से बच्चे हो और तुम अच्छे तरीके से नोट भी करते हो, ठीक है ना। मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा आपने, बहुत अच्छे। हाँ जी, एक अगला तीसरा मेथड भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड इसका यूज कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं क्या चीज है ये, क्या भला है। ठीक है समझो ध्यान से, यहाँ पे कर लो क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं कोई वेरिएबल दे रखा है एक्स, जो दे रखा है कि कितना कितना माने, मान लेते हैं 9900, उसके बाद दूसरे वैल्यू दे रखी है आपको 9800, उसके बाद दे रखी है 10000, उसके बाद चलते हैं 10100, 10200, ऐसी कोई वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी 4 2 1 9 5। ठीक है, कोई भी डाटा ले लिया मैंने ऐसे ही रैंडमली, चल बढ़ते हैं। अब इसका करना है हमें स्टेप डिवीजन मेथड से, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ जी ध्यान से। हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है मल्टीप्लाई टोटल डिवाइड, बस ये करना है और हमारा काम खत्म। तो मल्टीप्लाई किसको करें, हम एफ और एफ, एफ को एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन भैया ये तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो हाथ पे फूल चुके हैं, अब कैसे करूं भैया इतनी बड़ी मल्टीप्लाई को डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई को। तो सिंपल तरीका, हम एक्स को सॉल्व नहीं करेंगे, हम एक्स को चेंज कर देंगे किसमें, डी में। और एक्स को डी में कैसे चेंज करते हैं, इसमें से जब एज्यूम डी मीन को माइनस कर देते हैं। एक इसको मानो, मैंने बोला था सबसे बड़ी वैल्यू को ए मान लेना, अगर आपका मन करता है तो ठीक है, अगर आपका मन नहीं करता तो जयराम जी की। मैं तो इसको मान लूंगा सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि मैं नो दिख रही है, इसको मैं ए मान लूंगा। एक इसको मैंने माना 10100 को, सिंपल, तो मैं डी निकाल लेता हूँ। तो 9900 में से 10100 माइनस कर दिए तो बच गया माइनस का 200, इसमें से गए तो माइनस का 300, 10000 में से 100 गए तो बच गया माइनस का 100, इसमें से यही घटा दिया तो 0, इसमें से गया ये तो बच गया 100। ठीक है, वो कह रहा है भैया यहाँ पे 200 300 100 इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आ गई मेरे से, तो ये तो छोड़ो ये तो मैंने चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे से इससे भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब इससे भी मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, ये तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, इससे भी मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, लो जी इससे भी छोटी वैल्यू लेके आते हैं हम। इससे भी छोटा तरीका क्या है, आप निकालो डी डैश। क्या निकालिए, डी डैश। डी डैश मतलब क्या होता है, जो आपने डी निकाला है इसको, जो इनमें सब में कॉमन है उससे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे सब में कॉमन कौन सा है, किसके बारे में आ रहे हैं सबके सब, हाँ जी 100 के बारे में सबके सब आ रहे हैं, यानी मैंने कॉमन किसको मान लिया, सी किसको माना हमने, 100 कॉमन से डिवाइड कर दिया, कर दो डिवाइड, यानी कि हमने क्या किया 200 को डिवाइड कर दिया किससे, 100 से। तो 200 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2, समझे। हाँ जी, बस ये माइनस का है तो माइनस लगाना मत भूलना। ऐसी 300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3, इसको डिवाइड करेंगे माइनस का 1, फिर 0 और 1, सिंपल था, बहुत अच्छे। तो हमने D को भी चेंज कर दिया, अब हमें D की भी जरूरत नहीं है, हमने इसको छोटी में चेंज कर दिया, क्या बना दिया हमने, D डैश। क्या बना दिया, D डैश, यानी कि D डैश की वैल्यू कितनी कितनी आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 1, 0 और 1, सिंपल, हमने छोटा कर दिया इसे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे तुम। भैया मीन कैसे निकालते, मीन बताओ, छोटा करना मत बताओ, ठीक है वो बता रहा हूँ भाई, रुक जाओ शांति रखो। तो ये है D डैश, ये कितना है फ्रीक्वेंसी, अब इसके अलावा कोई वैल्यू दिख नहीं रही, और हमें क्या करना है मल्टीप्लाई टोटल डिवाइड, बस मल्टीप्लाई करो। तो मैं कर रहा हूं एफ डी डैश को मल्टीप्लाई, एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई, ये रहा डी डैश, ये रहा एफ, मल्टीप्लाई करो 4 2 8 माइनस का, 3 2 6 माइनस का, 1 1 माइनस का 1, 9 0 0, इसलिए मैं हाईएस्ट वैल्यू को एज्यूम करता हूं ताकि उसकी वैल्यू 0 बना दे, 5 1 5, सिंपल। अब सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो गया। अगला टोटल, टोटल किसका करना होता है हमेशा, फ्रीक्वेंसी का, तो ये फ्रीक्वेंसी दिख रही है, हाँ जी, तो इसका टोटल करो। यहां पर फ्रीक्वेंसी दिख रही है, नहीं जी तो मत करो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिख रही है, नहीं जी तो मत करो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिख रही है, हाँ जी तो इसका टोटल कर लो, जिस चीज का फ्रीक्वेंसी दिख रही है उसे इसका टोटल कर लो, बस टोटल करा तो कितना हो गया, 6 से 6 कट गया, मतलब 5 से 5 कट गया, यहाँ पे बच गया 1 2, यहाँ पे बच गया 10, माइनस का 10,
और इसका टोटल कितना हो गया, ये हो गया 9 और 1 10, 10 5 15, 15 4 19, 20 21, ये इसका टोटल आ गया 21। बस अब क्या करना है आपको लास्ट पे डिवाइड, हाँ जी डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया माइनस का 10 डिवाइड बाय 21। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं, बस ऐसे सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ गया। हाँ बस ये एक चीज याद रखना, आपने क्या किया था, देखो आपने क्या किया था, कॉमन से आपने डिवाइड भी किया है और एज्यूम्ड से आपने माइनस भी किया था। आपने क्या किया, ए से सबको पहले माइनस किया था और फिर 100 से डिवाइड किया था सबको, तो आपको वापस उल्टा करना पड़ेगा। आपने 100 से डिवाइड किया था सबको, तो 100 से अब क्या करना पड़ेगा आंसर को मल्टीप्लाई, और ए से आपने सब में से माइनस किया था ए को, और आप क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा ए को। ए कितना था हमारा 10,100 जो हमने एज्यूम किया था, समझ गया, हाँ जी तब निकलेगा आपका जोगी मीन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल तरीका, बस ये बात है मैंने थोड़ी सी मेरे को लेना चाहिए था ध्यान से, मैंने बड़ी वैल्यू ले ली है। उसको डिवाइड कैसे करें, डिवाइड करना आता तुम्हें भाई जी, करिए तो ये हो गया, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, ये हो गया माइनस का 1,000 बटे में 21, और ये हो गया माइनस प्लस माइनस ही होता है, यानी कि 10,100। ठीक है भाई, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 21 से, भाई 21 से डिवाइड ही तो करना है, 21 से कम 21, 21 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 21 5 105 होता है, तो 21 4 लेना पड़ेगा, 21 4 मतलब कितना होता है 84, तो 84 पे ये हो गया 4 पे 84, बस कितना गया 16, हाँ भाई, तो 16 हो गया मतलब 160 के हिसाब से अगर हम करेंगे 21 के टेबल में 21 5 105, 21 6 126, 21 7 147 और 21 8 168 होता है, तो जब बढ़ जाएगा मतलब हमें 21 7 करना पड़ेगा, 21 7 147 160 में से अगर हम 147 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 13 13, और 13 के पास पॉइंट लगा दिया तो हमने 0 उतार सकते, 130 हो गया, 21 6 126 होता है, 21 6 126 बचे कितने, बचेंगे 4, पॉइंट लग गया था तो इसलिए 0 आराम से तो जाएगा, तो 21 1 21 1, हाँ जी 4 का 0 40 हो जाएगा ना, तो 21 1 21, तो लगभग ऐसे आपकी वैल्यू रहने वाली है 47.61। हाँ जी अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 46 मतलब 47 48 ही मान लो 48 इसमें से चले गए तो बच गया 52 52, ये बच गया 10052 पॉइंट, और क्या बोलते हैं कितना था 39, हाँ जी, तो आपका आंसर आ गया मीन का 10,552.39, ये आपका निकल गया है मीन, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी भैया ये फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बताओ हमें, मेन फॉर्मूला चाहिए भाई, फॉर्मूला समझो, हमने क्या किया इन दोनों डिवाइड किया ना एफ डी डैश को और सिग्मा एफ को, तो इसका फॉर्मूला बन गया सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ। बस जब आपका आंसर आया उसके बाद आपने क्या किया, जो आपने पहले डिवाइड किया था कॉमन से, आपको लास्ट में मल्टीप्लाई करना है कॉमन, अच्छा सी को मैं कॉमन बोल रहा हूँ भाई, सी की जगह आप वो बताया था ना मैग्नीट्यूड, तो उसको इसकी जगह एच भी यूज कर सकते हो, इसकी जगह आई भी यूज कर सकते हो, सी की जगह मर्जी आपकी, जो मर्जी आप यूज कर सकते हो, और कहते अनुसार जो भी यूज करना हो वो यूज कर लेना। उसके बाद ए को प्लस करना है लास्ट में, तो बस ए को प्लस करना है लास्ट में, ये बन गया आपका, इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड मीन निकालने के लिए। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, बहुत अच्छे, तो यहाँ पे आपने सीख लिया डिस्क्रीट सीरीज का मीन निकालते कैसे, पक्का पक्का बढ़िया होशियार हो। अच्छा भाई आंसर चेक कर लेते हैं नीचे लास्ट में क्या है, तो ये भाई ये 10,052.39, ठीक है चले आगे चलते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, श्योर था भाई अगला टॉपिक डिस्क्रीट सीरीज नहीं मिटाना भाई, फॉर्मूला सिखाता सब जा रहा हूँ, तो अगर आपको लिखना हो तो फटाफट से लिख लेना, जिसको ना लिख रहा हो कोई बात नहीं, समझ सकते हो आपसे, आपको पहले से आता है, पहले कंसेप्ट समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो फिर उसकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी अपने आप, ठीक है समझ लो, अभी खाली जो बता रहा हूँ भाई कंसेप्ट बता रहा हूँ, खाली कंसेप्ट है क्या, और उस बाद जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, तो मुश्किल न्यूमेरिकल देने का फायदा नहीं अभी फिलहाल, अभी खाली कंसेप्ट सीखने आया, कंसेप्ट समझो, ठीक है भाई। चलिए ये आपकी दूसरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, अब लास्ट सीरीज रहेगी एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज में भी आपको फॉर्मेट सीखना चाहिए, बस खाली कॉन्टिन्यूस सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज इसके अंदर हम यूज करेंगे मेन कौन सी सीरीज का है, एग्जाम्पल एक्सक्लूसिव सीरीज का, मैं फिर बता रहा हूँ भाई, बाकी और कोई सीरीज नहीं करूंगा मैं, ना लेस देन ना मोर देन सीरीज, कोई सी सीरीज नहीं बताऊंगा, मिड वैल्यू सीरीज भी समझाने वाला, समझे आपको मैंने पहले से चेंज करना सिखा दिया, अगर आपने नहीं सीखा आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दे रखा है, आप आराम से देख के आओ, आराम से अच्छे तरीके से पहले सीख के आओ फिर समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बिहार से समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी तो गलती मेरी है, ठीक है आपकी नहीं है, कोई बात नहीं शुरू करते हैं फिलहाल, समझ में आ गया नहीं इतना, बस बहुत अच्छे ऐसे समझते जाओ अच्छे तरीके से समझ में आता रहेगा, और भाई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होंगे वो भी हो जाएंगे जब आप लास्ट में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ना उस टाइम पे, ठीक है ना, तो आराम से देख के जाना अच्छे तरीके से, आपके न्यूमेरिकल के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दे दिया करूंगा,
ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्वेश्चन दे दूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, आप आराम से करिए। हाँ, अगर आपको आंसर चाहिए होंगे तो फिर आंसर या थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लगता है, ठीक है, जिसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम वेस्ट भी करना पड़ेगा, तो ऐसा कर दूंगा कि थोड़ा सा चार्ज रख दूंगा उसका, ठीक है, आंसर आंसर का, आंसर का चार्ज होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको खाली क्वेश्चन क्वेश्चन चाहिए, गूगल गूगल पर सर्च करके ढूंढना चाहते हो, मिलना चाहते हो, आपको मिल जाएंगे, तो बेस्ट है, परफेक्ट है। लेकिन आप आंसर हमसे लेना चाहते हो तो फिर भाई उसके लिए थोड़ा सा चार्ज रख दिया जाएगा। अगर आप ऐसे ठीक लगता है तो फिर बेस्ट, नहीं चाहिए लगता तो जयराम जी ठीक है, ज्यादा चार्ज नहीं रखेंगे, आराम से आसपास 100 रुपए के आसपास चार्ज होगा, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनके चार्ज, न्यूमेरिकल भी अच्छे खास होंगे भाई, लगभग 50-50 के आसपास न्यूमेरिकल लगूंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए दोनों चैप्टर के हर एक क्वेश्चन की, अगर आप करने जाओ तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए इसमें, और उसके सॉल्यूशन भी है, तो 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देना सब थोड़ा सा मेहनती तो बात है ना, देखा जाएगा। तो जो भी आपका चार्ज होगा, मतलब कि 100-150 के आसपास कर दूंगा मैं, या फिर उससे कम, जितना कम हो सकता है उतना चार्ज कम रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन भाई टैक्स वाले हैं तो मैं तो अपना प्रॉफिट कम मार्जिन कम कर लूँ, मगर जो टैक्स वाले होते हैं जो जीएसटी चार्जेस करते हैं या फिर जो पेमेंट गेटवे लगाऊंगा आपके लिए, तो फिर उसके चार्जेस लगेंगे ना थोड़े से, तो वो चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी, कि मैं आपको पर्सनली नहीं जाके तो नहीं दे नहीं सकता आपको, है ना भाई। चलिए वापस चलते हैं अपने कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज यानी आप जिसको बोलते हो एक्सक्लूसिव सीरीज, बहुत सिंपल तरीका है, आसान तरीके से जैसे हमने किया ना अभी तक वैसे ही करेंगे, कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं सिखा रहा, ये आप चाहे तो यूज करो चाहे मत करो, मर्जी आपकी, आप जैसे समझा रहा हूँ वो खाली कंसेप्ट समझ लो, मल्टीप्लाई टोटल डिवाइड करके हम इस तरीके से मीन निकालते हैं, और आप हर तरीके से बड़े से बड़े मीन ऐसे ही निकलते हैं। चलो श्योर थे, कंटिन्यूस सीरीज इसमें आपको क्लास इंटरवल दिया होता है और उसके साथ साथ क्या दी होती है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, फॉर एग्जांपल के तौर पे 0 से 10, 10 से 20 आपको दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है और 30 से 40 दे रखा है। फ्रीक्वेंसी में क्या रखा है, 2, 4, 1, 3 आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कह रहा है कैलकुलेट करिए मीन, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल, क्या करना है मल्टीप्लाई टोटल डिवाइड। चलिए चालू करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई किसको करेंगे, इन दोनों ओ, समझ लो पिछली बार जो डिस्क्रीट सीरीज थी वहां पे केवल एक वैल्यू थी x, तो हमने एक वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, लेकिन ये तो कंटिन्यूस सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज में यहाँ पे एक वैल्यू तो है ही नहीं, तो हम किस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें, ये दिक्कत वाली बात है, क्या करा जाए, बहुत सिंपल सर, इसकी मिड वैल्यू निकाल लो, हम सारे डाटा नहीं लेके चलेंगे, हम मिड वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, किसके हिसाब से, मिड वैल्यू के हिसाब से, तो बस 0 और 10 की मिड वैल्यू, मिड वैल्यू निकालना सिखाया था सर बचपन में, पहले भी जब आप छोटे बच्चे थे, मतलब पहली वीडियो में पहली क्लास के अंदर, तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला L1 प्लस में L2 अपॉन में 2, दोनों जोड़ो 10, 0 प्लस में 10 बटे में 2, यानी कि 10 बटे में 2 यानी कितना आ गया 5, तो इसकी मिड वैल्यू कितनी आई 5, अरे खुद पता है ना 0 और 10 के बीच में कितना आता है 5, खत्म काम, नहीं भैया दोबारा समझाओ, दोबारा समझ लो भाई, 10 और 2 यानी कि 10 L1 है 20 L2 है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, तो 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 बटे में 2 कितना हो गया 15, तो इन दोनों की मिड वैल्यू कितनी आई 15, बस कितनी बार कराऊं सारा क्वेश्चन यहीं पे करा दूं मैं, समझ लो भाई, ध्यान से थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ अपना, कॉलेज में आ चुके तुम, हां जी 20 और 30 के मिड वैल्यू 25, 30 और 40 के मिड वैल्यू 35 भाई, ठीक है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी, अब हमें क्या करना है, देखो अब हमने क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है क्लास इंटरवल की, क्यों, क्योंकि हम इसकी मिड वैल्यू निकाल चुके हैं, अगर मिड वैल्यू निकाल चुके हैं तो अब हम क्या करना है, वही सिंपल तरीका, सॉरी वही सिंपल तरीका, मल्टीप्लाई टोटल डिवाइड, मल्टीप्लाई करना है टोटल करना है फिर डिवाइड कर देना है, हाँ जी, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम किस किस को मल्टीप्लाई करें, हम एफ को मल्टीप्लाई करते हैं मिड वैल्यू से, यानी एफ एम मल्टीप्लाई करते हैं, करीजिए मल्टीप्लाई, 5 2 10, 15 4 60, 25 1 25, 35 5 35, कितना होता है 35 2 70 105, 105 मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है टोटल, टोटल किसका करने के लिए बोला था हमेशा, फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, हाँ जी ये रही फ्रीक्वेंसी, टोटल करो, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है नहीं तो मत करो टोटल, है ना भाई, फ्रीक्वेंसी है हाँ जी है, इसका टोटल कर लो, बस खाली टोटल कर लो फटाफट से, हो गया टोटल 10, इसका टोटल कर लेते हैं 25 और 5 30 हो गया, 30 और 10 40 40 और 60 कितना हो गया 200, इसका हो गया 200, सिंपल ना। अब क्या करना है लास्ट में डिवाइड, यानी कि 200 को 10 से डिवाइड कर दोगे, 0 से डिवाइड किया 20 आपका आंसर आ गया, यही बन गया आपका मीन, ना तो मीन कैसे निकाला आपने, मल्टीप्लाई टोटल डिवाइड करके। अरे भैया वो कह रहा है फॉर्मूला तो बताओ भैया, फॉर्मूला के पीछे पढ़ लो पहले, हाँ जी, तो यहाँ पे भाई हमने किसको डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड किया, ये क्या है, ये एफ एम का टोटल, यानी सिग्मा एफ एम को डिवाइड करना किससे, फ्रीक्वेंसी से, यानी सिग्मा एफ से, तो फॉर्मूला क्या बन गया इस सीरीज का, डायरेक्ट मेथड, भाई पेन की इंक खत्म हो रही है, कल इंक लानी पड़ेगी, इस वजह से साफ साफ ना दिख रहा हो तो सॉरी उसके लिए, फॉर्मूला क्या बन गया सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है।
भाई देखो बार बार समझाने वाला है, खाली टाइम वेस्ट करना है आपका, ठीक है। जैसे वहां पे x वैल्यू नहीं दे रखी थी तो हम x की को रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं, जो मिड वैल्यू यहां से निकली उसको x मार के चल रहे हैं, समझ रहे, ठीक है। अब x की वैल्यू कई बार बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी हो गई इसको हम x को चेंज कर देंगे फिर किस में, d में, तब क्या निकल के आ जाएगा, d निकल के आएगा, जिससे हम क्या निकालेंगे, एफ डी निकालेंगे, जैसे इस मेथड के अंदर निकाला, समझ रहे, यानी कि ये जो m है ना, मिड वैल्यू जो है, मिड वैल्यू किसका काम करेगी, हमारे x वैल्यूज का काम करेगी, x सीरीज में जो भी x वैल्यूज है उनका काम करेगी, समझ, तो जो भी आपका ये जो है ना x मिड वैल्यू, इसी को मान लो कि यही x है, समझ, तो इसी से हमने जो पिछला मेथड किया था ना उसमें समझ हमने दो वैल्यू रखी थी, एक x लेके था, फ्रीक्वेंसी लेके थी, अब समझ में ये मिल जाएगी आपको, जो भी क्लास इंटरवल है क्लास इंटरवल को चेंज करके मिड वैल्यू निकाल लेना और उसी को मान लेना x, और सेम जो आपकी वाली सीरीज थी डिस्क्रीट सीरीज, जो फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज थी, सेम वही फॉर्मूले उसके वही लग जाएंगे यहाँ पे। तो अगर फॉर्मूले भी पूछोगे तो सेम फॉर्मूला है, जैसे शॉर्टकट था, सॉरी शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस में सिग्मा d अपॉन में सिग्मा f, बस सॉरी सिग्मा fd अपॉन में सिग्मा f। और अगर बोलोगे स्टेप डिवीजन, स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला वही सिंपल भाई, a प्लस में सिग्मा fd डैश अपॉन में सिग्मा f, मल्टीप्लाई में सी बोल लो, एच बोल लो, आई बोल लो, मर्जी आपकी, मैग्नीट्यूड लिखना है बस खाली उसकी जगह पे, सुना गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छी, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए, कंसेप्ट सुनना गया तो बहुत अच्छी बात है, लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, समझ रहे हो, अगर आपने पहले से कर रखा है तो सबसे बता रहा हूँ दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, पेपरों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू, छोटी सी नाखून दिख रहा है इससे भी आपको थैंक यू है, अगर आपने पहले से नहीं किया कोई बात नहीं, अरे आराम से कर दियो, कोई आपत्ति नहीं आ रही, अरे आराम से कर दियो, कोई आपत्ति नहीं आ रही, हम भी मिलते आपके एग्जाम के बाद, है ना भाई, अभी कहाँ भी तो टॉपिक और करवाने भाई। हाँ भाई, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे खत्म हो गया आपका मीन और उसके जितने भी टाइप्स थे, मैंने जितने भी फॉर्मूले होते थे मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे कंसेप्ट समझा दिए, समझा, अब इसको करते हैं भाई एरर और क्या बोलते हैं कंबाइंड मीन, एरर करेंगे कंबाइंड मीन करेंगे, चालू करते हैं फिलहाल टॉपिक, एरर और कंबाइंड मीन क्या होता है, ठीक है। हाँ, जिसको नोट कर लिया भाई नोट कर लेना फटाफट से, फिर मैं मिटाने जा रहा हूँ, कर लिया नोट, चलो फिर ठीक है मिटा देता हूँ, सॉरी थोड़ा सीजन चेंज हो रहा है ना तो खांसी जुकाम बुखार बढ़ जाता है फिलहाल इस टाइम, तो खांसी बढ़ी हुई है, बाकी तुम सब सही हो ना, ऑल सेट, परिवार में सब सही चल रहा है, काम धंधा अच्छा है, धंधा पैसे कमा रहे हो, बढ़िया, तो अगर आप ओपन से एडमिशन ले रखा है तो कमाई दमाई पे फोकस कर लो थोड़ा सा, समझ रहे हो, बाद में कभी लाले पड़ जाए तुम कमाई दमाई के पीछे भागो, कमाने का यही मौका है, कोई स्किल सीख लो, सी ए बी सी के पास जाके काम वाम सीख लो, समझ रहे हो, समझ रहे नहीं समझ रहे, समझ रहे ना, कनेक्ट कर पा रहा हूँ, हो रहा है दिमाग में आ रहा है, भेजे में, गुर्दों में, फेफड़ों में आ रहा है, ठीक, सांसों के नसों में दौड़ने चाहिए बातें। हाँ, शुक्र थे भाई, टॉपिक का नाम आता है एरर्स और कंबाइंड मीन, टॉपिक का नाम क्या आता है, एरर और कंबाइंड मीन, तो इस बार हमें एरर जितनी भी होती है, मतलब कई बार होती है डाटा कलेक्ट करने के टाइम पे एरर्स हो जाती है कुछ, वो एरर्स को ठीक करना है और कंबाइंड मीन सीखना है, इस पर समझते हैं ध्यान से, क्या ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है, समझो ध्यान से, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, समझो, पहला, अब मान लो आपको मीन पहले से आ चुका है, वो कहना पहले से आता था, मैं समझाने की जरूरत नहीं है, मान लेते हैं फिर से कि आपको पहले से मीन आ चुका है, ठीक है, तो आपने अपने नीचे एक अपॉइंटमेंट, मतलब कि एक जो बना था, मतलब जो असिस्टेंट है वो अपॉइंट कर लिया, आपने बोला डाटा कलेक्टर, उसने डाटा कलेक्ट किया पांच फैमिली का कि वो कितने रुपए खर्च करती है मेले में जाने के बाद, तो वो कह रही है कि ना पांच फैमिली है भैया इतने इतने रुपए कलेक्ट खर्च करती है, कोई एक फैमिली है जो दस रुपए, फिर बीस रुपए, फिर तीस रुपए, फिर बीस रुपए, फिर दस रुपए, ऐसे करते करते पांच फैमिली जो है वो इतना खर्च करती है अपने मेले में जाने के बाद, हमने बोला भैया फिर अगर इतना खर्च कर रही है ये फैमिलीज, इतना खर्च का थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, यहाँ पे चालीस कर देते हैं, इसको पचास कर देते हैं, चलिए ये फैमिलीज और इस तरीके से खर्च कर रही है ताकि डाटा सिंपल हो जाए, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, एक फैमिली है सर मेले में जाने के बाद कितना खर्च कर रही है, ठीक है, कोई दस रुपये, कोई बीस रुपये, कोई तीस, कोई चालीस, कोई पचास, ऐसे खर्च कर रही है, हमने बोला कोई एवरेज अमाउंट बताओ जिस तरह वो फैमिली जो है वो एवरेज लगभग मेले में जाने के बाद खर्च करती है, चलिए, तो देखो आपके असिस्टेंट ने इसका मीन निकाला, मीन कैसे निकालते हैं, वही टोटल सिग्मा एक्स बटे में एन करके, उसने टोटल किया पता चला 150 है, डिवाइड किया किससे, अरे मतलब पाँच से, नंबर से, एक दो तीन चार पाँच, तो आपको उनको पता चल गया भाई कितना आया मीन, 30, मीन कितना आ गया 30, समझे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, लेकिन आपसे बोल देगा भैया एक गलती हो गई, मैंने बोला क्या गलती होगी, वो कह रहा है हमने ना गलती से ये 10 ले लिया था,
दस नहीं लेना था, हमें 10 की जगह लेना था 60। कितना लेना था? 60, 60। अब क्या करा जाए? तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इस गलती को ठीक कर लेते हैं, अब टोटल कर लेते दोबारा। 10 में टोटल करना, 10 कितना ही टोटल करना है? 60 टोटल करना है। ऐसे तो हमने किया तो हमको पता था 200 हो गया, 200 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया आपका 40। एवरेज कितना आ गया? 40। इस तरीके से मैंने निकाला। चलिए आप समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? हाँ बस ये लिटरली यही क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन समझो। चलिए आपके पास असिस्टेंट आया, वो कह रहा है भैया सुनिए। हाँ जी बताइए। कह रहा है हमने पहले कुछ डाटा था उसका मीन निकाला 30, जैसे पिछला निकाला था 30 हमारा मीन। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। हम वो कह लिया हमने जो डाटा था वो 5 फैमिली का कलेक्ट किया था। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा है एक छोटी सी गलती हो गई भैया जी। हमने बोला क्या गलती हो गई भैया जी? कह रहा है भैया जी एक छोटी सी गलती हो गई, हमने जो 10 था ना वो 10 ले लिया गलती से, वो 10 नहीं था, उसकी जगह क्या लिखना चाहिए था हमें? हमें 60 लिखना चाहिए था भैया जी। हमें 10 की जगह क्या लिखना चाहिए था भैया जी? 60 लिखना चाहिए था, हमने गलती से 10 ले लिया। अब इस गलती को ऐसे ठीक करें, आप ठीक कर सकते हो? आप ठीक कर सकते हो? वो कह रहा भैया डाटा तो हो गए तभी तो मैं ठीक करके बताऊंगा, डाटा तो है ही नहीं, डाटा तो आपने मिटो दिया। वो कह रहा बैक जाके कर लेंगे। नहीं एग्जाम में बैक जाने का ऑप्शन नहीं है, बस ये तीन आपको चीजें दीजिएगा, ये मीन था पहले, ये आपका नंबर था, और ये आपका था गलत वाला ऑप्शन, ये सही वाला ऑप्शन। अब इसको ठीक करना है। कैसे ठीक करना है? देखो सिंपल तरीका होता है, बहुत आसान तरीका होता है। आपने ये जो मीन निकाला था, ये मीन कैसे निकाला होगा? देखो तरीका बता रहा हूँ, आंसर कैसे लिखना है। आंसर आपने जो मीन निकाला था, मीन का फॉर्मूला का क्या निकाला होगा? सिग्मा एक्स बटे बी एन, है ना। ये आपका जो 30 आया ये कैसे आया? मीन की जगह सिग्मा एक्स आपको पता नहीं क्योंकि आपने उसका टोटल डाटा दे रखा था, उसका टोटल कैसे करेंगे, है ना मैं। चलिए नंबर कितना है? 5। अगर आप डिवाइड है कि क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 5 हो गया 15, 150। यानी कि जो आपको सिग्मा एक्स यानी कि जो टोटल है आपके डाटा का वो कितना मिल गया आपको? 150। आपको पता चल गया उस डाटा का टोटल कितना आएगा? 150। जो कि ये क्या है? ये गलत वाला टोटल है, आपने गलती से ये टोटल कर दिया। इसमें आपने गलती से क्या जोड़ दिया? 10 जोड़ दिया। 10 नहीं जोड़ना चाहिए था आपको बबुआ, आपको क्या जोड़ना चाहिए था? 60। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 10 को माइनस कर दोगे, जो गलत वाली वैल्यू है उसको घटा रहे हैं, यानी कि रॉन्ग वैल्यू को घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और इसके अंदर फिर आप जोड़ दोगे 60 को। 60 मतलब क्या? राइट वैल्यू, जो भी आपकी राइट वैल्यू होगी वो जोड़ देंगे, तो राइट वैल्यू को जोड़ देंगे और रॉन्ग वैल्यू घटाने पर आपको मिल जाएगा 200। ये क्या आ गया आपका? सिग्मा एक्स। वो भी कौन सा वाला? पिछली बार गलत वाला था, ये वाला राइट वाला है। सुने ये सही वाला सिग्मा एक्स। तो आप सही तरीके से मीन निकालिए। मीन का फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा एक्स बटे में एन, यही फॉर्मूला होता है। बस पिछली बार गलत वाला सिग्मा एक्स लिया था जो कि 150 लिया था, इस बार सही वाला सिग्मा एक्स लेना, यानी कि जो कि कितना आएगा? 200 बटे में नंबर कितने? नंबर तो उतने ही है ना, 5। तो बस इसको इससे डिवाइड कर दिया, आपका मीन कितना निकल के आ गया? मीन निकल के आ गया 40। समझ रहे हो? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? बहुत अच्छा। पेपर में भी ऐसे ही लिख के आना है भाई, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए, फिर इससे बड़ा क्वेश्चन करवाता हूँ। कर लिया? बहुत अच्छे। इतनी स्पीड होनी चाहिए, इतनी चटकी होनी चाहिए लोगों के अंदर। आजकल के लोग तो लुंजू मुंजू हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लुंजू पुंजू। अरे आराम आराम से करते रहते हैं क्वेश्चन तो लोग, ठीक है भाई। हाँ जी शुरू करते हैं, समझिए। फिर से एक क्वेश्चन कह रहा है भैया इस बार हमने मीन निकाला और हमें मीन पता चला कितना आया? 150 आया। हमको भैया थोड़ी सी गलती हो गई, हमने जो मीन निकाला था ना वो 10 बंदों को निकाला था, लेकिन हमको बाद में पता चला जो हमने 10 लिया है ना वो गलत है, हमने एक बार 30 वैल्यू जो लिया है वो भी गलत है, हमको 30 और 10 वैल्यू नहीं लेनी चाहिए थी भैया, इसकी जगह हमें लेनी चाहिए थी 100 और इसकी जगह हमें लेनी चाहिए थी 50 वैल्यू भैया। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं भैया, अगर दो गलती हो गई तो दो गलती। वो कह रहा भैया एक और गलती है, हम बता नहीं पाते, छुपा रहे थे आपसे, दर्द हमारे मन में हो रहा था। तो हमने क्या क्या करना? हमने बताया भैया जी क्या गलती हुई हमसे, उन्होंने ना ये गलती तो करी करी, लेकिन इसके साथ साथ एक वैल्यू थी 60 जिन्होंने उनको खाम खामे ले ली, उसकी जगह उनको कोई वैल्यू लेनी ही नहीं थी। मतलब कि गांव में 10 बंदे नहीं थे, गांव में थे 9 ही बंदे, बस उन्होंने एक एक्स्ट्रा बंदे की वैल्यू लिख दी 60। समझ रहे हो? यानी कि गांव में 9 ही बंदे थे, 2 बंदों की तो उन्होंने गलती से वैल्यू लिख दी, एक की 100 इनकम थी, एक की 50 इनकम थी, उन्होंने 30 और 10 लिख दिया, लेकिन जो एक बंदा है ना उसकी कोई इनकम थी नहीं, उन्होंने गांव में गलती से 9 ही बंदे थे उनको 10 बंदे दिखा के 60 रुपए ऐड कर दिया बस। पता नहीं किसका कौन सब किसी की आत्मा आ गई होगी, उसके कान में फूंक दिया, आज 60 रुपए इनकम उसने जोड़ दी। वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता गांव में, वो कह रहा बंदा ही नहीं है, तो उसकी जगह क्या 0 लिखेंगे? नहीं। समझो
हाँ जी, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बटे में एन। हाँ जी, मीन कैसे निकाला होगा, 150 कैसे आया होगा, सिग्मा एक्स को डिवाइड करके नंबर से, नंबर कितना दे रखा है इन्होंने 10, तो ये जो गलत मीन निकाला है वो कितना निकाला होगा, मतलब सिग्मा एक्स गलत वाला कितना निकाला होगा उन्होंने 1500। ये है गलत सिग्मा एक्स, रॉन्ग वाला, गलत वाला सिग्मा एक्स। अब हमें इसमें से क्या करनी है, गलत वाली वैल्यू माइनस करनी है और सही वाली वैल्यू जोड़नी है, तो हम माइनस करेंगे 10 जो गलत है, और माइनस करेंगे हम 30 जो गलत है, और माइनस करेंगे हम 60 जो गलत है, और हम इसमें जोड़ देंगे जो सही वाली वैल्यू है, यानी कि 100 जोड़ देंगे, और हम जोड़ देंगे 50 ने जो सही वाली वैल्यू है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा जो भी वो देखा जाएगा। तो 100 और 150, 150 हो गया, 150 और ये हो गया 60, 70, 80, 90 और ये भी 100 हो गया, 100 कट गया, यानी 50 बच गया, यानी कि 50 इसमें जोड़ना है, 1550। ये आया हमारा क्या, सिग्मा एक्स, सॉरी ई लिख रहा हूँ, सिग्मा एक्स, वो भी कौन सा वाला, राइट वाला, सुन रहे। चलिए जी, अब निकालते हैं मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बटे में एन, यही फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा एक्स मतलब कोई इतना ऐड होना सही वाला 1550, लेकिन नंबर, नंबर क्या लिखा जाए, समझिए, दो बंदों की तो इन्होंने वैल्यू गलत कर दी, तो वो तो ठीक है भाई, बंदे ही गलत करें, लेकिन नंबर तो उतनी है ना, बस जहां पे 10 लेना था वहां पे 50 लिया, लेकिन नंबर जो 9 लोगों से लेना था डाटा, वो 9 लोगों से लिया ना उन्होंने, बस एक की तो गलती हो गई, हमने एक बंदे को खामा खामे वैल्यू लिख दी, गांव में 9 ही लोग थे, हमने एक की वैल्यू गलती से लिख दी, बस खाली एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वैल्यू लिख दी है, तो बंदा तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो नंबर की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, नंबर की जगह आएगा 9, क्योंकि ये बंदा तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, गांव में 10 बंदे थोड़ी ना, 9 ही बंदे हैं, तो 9 बंदों का डाटा ये, ठीक है, जो कलेक्ट किया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, 9 से 9 बच गया यहाँ पे कितना, 6 इधर लग गया, 65 हो गया, 9 5 जा 45 9 7 जा 63 हो गया, और क्या होते बचे कितने, 2 इधर लग गया, 20 हो गया, 9 2 जा 18 बचे, 2 पॉइंट लगा के 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18 मतलब 2 के ऊपर बार चलता रहेगा। आपका सही मीन कितना आ गया भाई, 172.2 बार, कोई दिक्कत तो नहीं, परफेक्ट भाई। तो हमने एरर वाला जो क्वेश्चन था उसको भी सॉल्व कर लिया परफेक्ट तरीके से, अच्छे तरीके से, प्यार से एकदम, ठीक है भाई। बस लास्ट आ गया, खाली कंबाइंड मीन सॉल्व करना है और उसको खत्म करते हैं। चलिए हाँ भाई, शुरू है, चलिए चालू करते हैं भाई। टॉपिक का नाम क्या आता है, कंबाइंड मीन। तो देखो एरर वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अब आती है एक बात कंबाइंड मीन की, भाई मेरे को मार्कर की इंक नहीं मिली है, तो इस वजह से मार्कर यही वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है, देखो कौन सा मार्कर चलता है। हाँ जी, कंबाइंड मीन चालू करते हैं। कंबाइंड मीन बहुत सिंपल सा होता है, आपने बचपन में सीखा हुआ कंबाइंड मीन कैसे निकलता है, किसी भी डाटा का निकाल लो, जैसे हम तीन क्लास का निकालते हैं, मान लो एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, एक क्लास है सी, हमने चेक किया इस क्लास में जो मीन आया बच्चों का वो 50 आया, इस क्लास में जो मीन आया बच्चों का वो 60 आया, इस क्लास में जो मीन आया बच्चों का वो आया कितना 40 मान लेते, इस क्लास में बच्चे जो है वो है 10, इस क्लास में बच्चे भी कितने हैं 10, इस क्लास में बच्चे कितने हैं 10, तीन क्लास में 10 बच्चों बोलते हैं, वो कह रहा है इन तीनों का आपको कंबाइन करना है, कंबाइन पूरे क्लास का, ये जो सेक्शन थे पूरी क्लास, मतलब जो आपकी पूरी बीकॉम क्लास है, ठीक है, उसका कंबाइन मीन बताइए कितना हुआ, कर लेते कोई दिक्कत नहीं। देखो सिंपल सा तरीका है कंबाइन मीन निकालने का, बहुत आसान, क्या पहले का मीन पहले का नंबर जमा में दूसरे का मीन जमा में दूसरे का, सॉरी दूसरे का मीन दूसरे का नंबर, ठीक है, जमा में तीसरे का मीन और तीसरे का नंबर, बटे में अपॉन में तीनों के नंबर, पहले का नंबर, दूसरे का नंबर और तीसरे का नंबर, पहले का मीन मल्टीप्लाई में पहले का नंबर जमा में दूसरे का मीन मल्टीप्लाई में दूसरे का नंबर जमा में तीसरे का मीन मल्टीप्लाई में तीसरे का नंबर अपॉन में तीनों के नंबर प्लस करने हैं, बस खाली सिंपल, बस एक बार सॉल्व कर लेते हैं आपका आंसर आ जाएगा कंबाइंड मीन का। देखिए ध्यान से कंबाइंड मीन करने का, पहले का मीन पहले का नंबर, पहले का मीन 50, पहले का नंबर 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया 500, तो ये हो गया 500 जमा में दूसरे का मीन और दूसरे का नंबर, दूसरे का मीन दूसरे का नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया 600, तीसरे का मीन तीसरे के नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 400 अपॉन में तीनों को प्लस करना है, तो 10 20 30 सिंपल, अब सॉल्व कर लो, तो 5 4 ये हो गया कितना 1500, 1500 को आपको डिवाइड करना है किससे 30 से, 0 से 0 गया, 30 से इसको काट देंगे तो कितना गया 50, तो आपका कंबाइंड मीन कितना आ गया, हाँ जी कंबाइंड मीन आ गया तीनों के सेक्शन का ए बी सी का 50, सिंपल से कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला था, और इसमें ना कई बार एग्जाम्स में एन बोल देता है निकालने के लिए, मीन बोल देता है निकालने के लिए, ऐसे क्वेश्चन जिसको हम करेंगे सर जब हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे ना ऐसे वाले क्वेश्चन में, तब समझा, ये कंबाइंड मीन का खाली फॉर्मूला समझाना था, कंसेप्ट समझाना कि है क्या कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन क्या होता है, आपने जैसे मीन और नंबर निकाल रखा होगा किसी एक सेक्शन का, फिर मीन और नंबर निकाल रखा है दूसरे सेक्शन का, बस आपको खाली क्या करना है इसके अंदर कंबाइंड करना है, समझा क्या,
दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, इसको बोलते हैं कंबाइंड मीन, और ये कंबाइंड मीन का फॉर्मुला है, छोटा सा, आप आराम से कर लोगे, सिंपल भाई। हाँ जी, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो एक बार नीचे कमेंट करके पक्का बता देना, भैया मेरे को इस टॉपिक में डाउट आ रहा है। हम कोशिश करेंगे आपके वो डाउट्स भी सॉल्व करने के, फटाफट से फटाफट, यानी जल्द, जैसे ही अपनी वीडियो आती है वैसे ही अगली वीडियो बनाने के साथ ही आपकी डाउट्स भी सॉल्व कर दिए जाएंगे, सिंपल सर। हाँ जी, तो आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और आपने पहले से कर रखा है तो बता रहा हूँ, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से, इतना क्या बोलूँ आपको, थैंक यू है ना आपको, कि भाई कुछ कह नहीं सकते भाई, ठीक है। और आपने पहले से नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी हैं, आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, समझ में, ठीक है। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, नंबर देखा 8059639586, ठीक है भाई। तो बस कोशिश करना कि आप कॉल ना करो, कभी हम बिजी मिलेंगे, कभी आप बिजी मिलोगे, सबसे बेस्ट है आप व्हाट्सअप करो, हम जल्दी जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे। तो ज़्यादा महंगे हैं नहीं भाई, 150 से 200 रुपये के बीच में प्राइस होता है, ठीक है। हाँ जी, तो आप आराम से परचेज कर सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा उस अमाउंट पर परचेज कर लेना, सिंपल सर। चलो, तो आज के वैसे नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, अगेन और टाटा बाय बाय, ठीक है। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना, पर कहते बोल लो भैया नोट करने का टाइम नहीं दिया तुमने, चलिए जी, बाय बाय।